गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माइसेल्फ आनंद सैनी, आई एम योर केमिस्ट्री ट्यूटर। लेट्स स्टार्ट टू लर्न केमिस्ट्री। हम लोगों का टॉपिक चल रहा है बच्चों एथिल अल्कोहल का एमओपी, एथिल अल्कोहल बनाने की विधियां। लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा जो चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं उनका वर्गीकरण आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है। बहुत सारी और भी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। एग्जैक्टली जो लास्ट टाइम पे आपका टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था एथिल अल्कोहल C2H5OH का सूत्र होता है बनाने की विधियां आप लोग पढ़ रहे थे। और इसमें आपने स्टार्च से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे जो की एक औद्योगिक विधि है वो आपने पढ़ी हुई थी। तो किण्वन प्रोसेस था वो, उसी से रिलेटेड एक और किण्वन से रिलेटेड एक और आपका मेथड आ जाता है कि किण्वन अगर हम लोग जैसे आपने देखा हो तो स्टार्च का किण्वन कराते हो तो आपको एथिल अल्कोहल मिलता है, वैसे आप अगर सुक्रोज का भी किण्वन कराते हैं तो भी आपको एथिल अल्कोहल मिलता है। देखते हैं कैसे। ओके नेक्स्ट ओके डियर। तो एमओपी में बनाने की विधियां मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधियां, क्या बनाने की विधियां, एथिल अल्कोहल बनाने की विधियां। तो देखेंगे किसे बनाएंगे आज हम लोग, सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है, गन्ने की शर्करा या शक्कर। ओके तो गन्ने की शक्कर से आपको बनाना है एथिल अल्कोहल। गन्ने की शक्कर से कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है, पाइरोक्साइल C12H22OH। तो जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की जैसे मैंने आपसे बार बार कहा हुआ है वो आपको पढ़ाएंगे मेरा क्लास 12 में। अभी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि सुक्रोज से आप एथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे, आप उसका रिएक्शन लिखिए। केवल डायरेक्ट रिएक्शन पूछा जाता है, तो करना क्या है आपको, जो सुक्रोज होता है बेटा C12H22OH आपने इसका हाइड्रोलिसिस कराना है, जलावतन करा देना है। एक एंजाइम होता है इनवर्टेज, तो इनवर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको यहां से मिलता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज C6H12O6। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, एक है आपका ग्लूकोज और दूसरा है आपका सुक्रोज। अंतर क्या है ग्लूकोज और सुक्रोज में, ये पॉइंट आप नोटिस करेंगे। अंतर क्या है ग्लूकोज और सुक्रोज में, ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है और सुक्रोज में कीटोन समूह होता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड और सुक्रोज में कीटोन, सॉरी सुक्रोज बोल रहा हूँ, फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज है बेटा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, दोनों का सूत्र सेम है। ग्लूकोज में होता है एल्डिहाइड समूह, फ्रक्टोज में होता है कीटोन समूह। यह है आपका सुक्रोज, आपने इसका किया हुआ है जलपचन, इसके प्रेजेंस में इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। प्रोसेस कौन सा है, किण्वन प्रोसेस है, कौन सी है मेथड, ये किण्वन विधि द्वारा, ठीक है ना। तो ये तो हुआ पहला स्टेप। सेकंड स्टेप की बात करते हैं तो ये जो सुक्रोज है ना, ग्लूकोज आपको जो मिला हुआ है, इस ग्लूकोज का आप फर्दर और अपघटन करा देते हैं, एक एंजाइम कहता है आपका जाइनेज, उसकी उपस्थिति में थोड़े टाइम बाद ये खुद कन्वर्ट हो जाता है। और किसमें कन्वर्ट होता है वो प्रोसेस आप देखेंगे, वो आपको मिलता है यहाँ से एथिल अल्कोहल C2H5OH+2mol of CO2। तो ये आपको दो एथिल अल्कोहल मिल रहा है और 2 मोल मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके ये कौन सा कंपाउंड है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से मिलता है। एक चीज जो आपको नोटिस करनी है, जो बात आपको ध्यान देनी है, जो बात आपको सोचनी है, वो है ये कि आपने किण्वन से कल भी यानी कि लास्ट लेक्चर में भी आपने एथिल अल्कोहल प्राप्त किया था, लेकिन तब आपने किण्वन कराया था किसका, स्टार्च का। आज आप किण्वन करा रहे हो किसका, सुक्रोज का। एक जो नोटिस करने वाला पॉइंट है वो ये है कि स्टार्च का जो आपने किण्वन कराया था फर्स्ट स्टेप में, आपको एक यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला कंपाउंड मिला हुआ, लेकिन उसको हम लोग बोल रहे थे मॉल्टोज और इसको बोल रहे हैं सुक्रोज। तो डिफरेंस है मॉल्टोज में और सुक्रोज में। मॉल्टोज के साथ में आपको यहाँ पर N लिखा हुआ मिल रहा था, आगे लिखा था N। N मतलब, N से मतलब है बहुत सारे सुक्रोज के अणु, एक नंबर है, ओके ना। तो N क्या होगा, सुक्रोज के बहुत सारे अणुओं की संख्या। एक मीन आप सिंपल ऐसे समझ सकते हो कि सुक्रोज के बहुत सारे अणु आपस में मिल करके सुक्रोज का जो बहुलक बनेगा वो मॉल्टोज होता है। तो ये अंतर है मॉल्टोज में और सुक्रोज में। और जब आपने मॉल्टोज का अपघटन कराया तो आपको वहां पर केवल ग्लूकोज मिलता है और यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलते हैं। ये नोटिस करने वाला पॉइंट है, पॉइंट ध्यान देने वाला है, तो आप इस चीज को माइंड करिएगा। बाकी आपको मिलता दोनों ही प्रोसेस से एथिल अल्कोहल है। तो ये आपका किण्वन का प्रोसेस हुआ, इस किण्वन प्रोसेस द्वारा आपने सुक्रोज का किण्वन कराया है तो आपको एथिल अल्कोहल मिल रहा है। इसी में आप आगे बढ़ेंगे, कुछ अदर मेथड भी आते हैं एथिल अल्कोहल बनाने के जो कि देखेंगे।
देखते हैं अदर मेथड्स में अन्य विधियां, जैसे अदर मेथड्स में आपको एक और मेथड मिलता है प्रोमेथीन, एथिलीन होता है, तो एथिलीन से जब आप एथाइल अल्कोहल बनाते हैं उसके लिए हम करते क्या है, डायरेक्टली आप इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं और ये जो हाइड्रोलिसिस कराया जाता है ये हाइड्रोलिसिस कराते हैं H2SO4 की प्रेजेंस, कंसेंट्रेट H2SO4 का प्रेजेंस रहता है। तो यहां से जब आप उसका हाइड्रोलिसिस कराते हो तो हाइड्रोलिसिस कराने पर आपको कंपाउंड मिलता है CH3 CH2 आपको मिलता है एथिलीन भी कहते हैं जो कि एक कॉमन नेम है, और ये है आपका एथिल एल्कोहल, डायरेक्ट आपको मिल जाता है। एक्चुअली ये जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन होती है मार्कोनिकोफ नियम के आधार पर, बट आपको अभी डिस्कस नहीं करना, केवल रिएक्शन दे रहे हैं। वैसे अगर आपको आता है एथीन से एथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करें, सिंपल सा आपको रिएक्शन दे देना है कि एथीन का आप जल अपचयन करा रहे हो, वाटर से रिएक्ट करा रहे हो H2SO4 की प्रेजेंस में, ऑन दैट केस आपको एथिल एल्कोहल मिल जाता है। एक और अदर मेथड में आपको मिलता है, जैसे आपके पास कोई एल्केलाइड है तो एल्केलाइड हम कोई भी दे दे रहे हैं, आपको एथिल एल्कोहल बनाना है तो आप एथिल ब्रोमाइड ले लीजिएगा, एथिल ब्रोमाइड, ओके आपको रिएक्शन बहुत ईजी है, मेटल एंड नॉन मेटल की रिएक्शन के भी आप निकल जाएगा, वो एक जो बचा है जुड़ जाएगा डायरेक्ट, के भी आर बन गया, ओके ना, ये है आपका एथिल एल्कोहल। तो इस तरीके से आपने एथिल एल्कोहल बनाने के कुछ मेथड पढ़े हुए हैं, एक मेथड आपने जो पढ़ा वो स्टार से आपने किण्वन से बनाया, किण्वन वाला प्रोसेस आपका एक प्राचीन विधि होती है जो कि अभी थोड़ा सा कम यूज किया जाता है, बट ये आपके जो अदर मेथड है इंडस्ट्रियल में आपका जैसे ये भी फॉलो करते हैं लोग, इंडस्ट्रियल औद्योगिक विधि में ज्यादा से ज्यादा इस विधि से बनाया जाता है। तो ये आपके तीन चार मेथड मैंने आपको बताया एथिल एल्कोहल बनाने के लिए, तो डायरेक्ट रिएक्शन पूछा जाता है। तो अभी आज के लेक्चर में केवल MOP है, और अभी जब नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी उसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड अदर यूजेस पढ़ेंगे। सो थैंक यू, रिवाइज करिए। गुड मॉर्निंग क्लास, हम लोगों ने लास्ट टर्म में पढ़ा था कि एरे क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि एरे क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि 1D एरे क्या होता है, फिर हम लोगों ने सीखा कि 2D एरे क्या होता है और इनकी प्रॉपर्टीज को सीखा। आज हम लोगों का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ एरे, यानी एरे का जो वर्क है वो क्या है, एप्लीकेशन क्या है। तो एरे की दो एप्लीकेशन है, एक है एरे की एप्लीकेशन शॉर्टिंग और दूसरी है सर्चिंग। तो यहाँ पे शॉर्टिंग जो है वो तीन प्रकार की जनरली होती है, और जो सर्चिंग है जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे दो प्रकार की होती है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो शॉर्ट, सबसे पहले हम लोग शॉर्टिंग का मतलब समझेंगे कि शॉर्टिंग क्या होता है। एरे को, किसी भी एरे को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी भी एरे को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना शॉर्टिंग कहलाता है। कोई भी एरे है उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसके एलिमेंट्स को अरेंज करना शॉर्टिंग कहलाता है। जनरली भाषा में कि कोई भी रैंडम नंबर्स हो और उनको अगर हम या असेंडिंग ऑर्डर में कर दें या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दें और डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पे ले जाकर सेट कर दें, तो ये जो ऑर्डर होता है, ये जो अरेंजमेंट होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग शॉर्टिंग कहते हैं। शॉर्टिंग तीन प्रकार की होती है, बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट और इंसर्शन शॉर्ट। तो आज हम लोग इसका एक टाइप पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं बबल शॉर्ट। बबल शॉर्ट में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे
बबल सॉर्ट में हम लोग एक एरे ले लेते हैं, एक एरे, एरे लेने का तरीका आपको पता है, एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है ये आपको पता है, फिर भी आपको अगर नहीं रिमाइंड है तो मैं एक बार रिमाइंड कराता हूं। एरे को लिखने का तरीका होता है डेटा टाइप एरे नेम और एरे साइज। डेटा टाइप हमारा क्या है, डेटा टाइप है हमारा इंट, एरे नेम एआरआर और एरे साइज 5। तो इस तरह से हम किसी एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। मान लीजिए वो एरे यही है, ये वो एरे है और इसमें हमने देखिए हम इसको, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो यानी हमें क्या करना है, हमें इसको 1 2 3 4 5 के फॉर्म में लाना है। तो सबको पता है कि एरे की जो इंडेक्स पोजिशन होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो एरे की इंडेक्स पोजिशन क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 4, क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 4। यानी कोई भी अगर हमको एरे जो है शॉर्टिंग फॉर्म में लाना है तो उसके लिए हमें क्या क्या लूप चलाना पड़ेगा, i = 0 एक लूप ये, i = 1, i = 2, i = 3, i = 4, यानी उसकी इंडेक्स पोजिशन के लिए लूप चलाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एरे है, अगर हम लोग 4 एलिमेंट अरेंज कर लेते हैं तो पांचवा एलिमेंट अपने आप ही अरेंज हो जाएगा। अगर 4 एलिमेंट हम लोग अरेंज कर लें तो पांचवा एलिमेंट अपने आप ही अरेंज हो जाएगा। यानी पहली बार हम लोगों को 0 से 4 तक चलना है, यानी 0 से 4 पांच लोकेशन होती है, तो सिर्फ लूप चलेगा 0 से 3 तक, i = 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, पांचवा एलिमेंट अपने आप अरेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा में हमें उसके एक और कम चलना पड़ेगा, फिर तीसरी बार में एक कम और, फिर दूसरी बार में एक कम और, फिर पहली बार में एक कम और। यानी ये जो है कैसे ये अरेंज होगा इसको देख लीजिए। सबसे पहले क्या होता है, यहां पर जो एलिमेंट है वो इस तरह से आपके स्टोर होंगे, और एलिमेंट जब इस तरह से स्टोर होंगे तो सबसे पहले ये कंपेयर कराएगा पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से। यहां पर देखिए फॉर के दो लूप चले हैं, पहला लूप चला है i = 0 से n-1, n यहां क्या है 5, n क्या है 5, 5-1 यानी 4, 5-1 यानी 4, तो ये हो गया हमारा 4 के लिए चलेगा, i++ करेगा यानी एक वैल्यू बढ़ाएगा। फॉर का जो लूप होता है उसमें सबसे पहले होता है इनिशियलाइजेशन, फिर होता है कंडीशन, फिर होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, फिर अंदर आए जे का लूप है, जे का लूप भी ऐसे है 0 i-n-i, i का मतलब है यहां पर 0, तो जो है ये आपका 0 n, मतलब 0 हो जाएगा तो n कितना है आपका, अब i पहली बार में 1 था, या आपका कम हो जाएगा उससे, एक कम हो जाएगा i-n-1-i, यानी एक कम चलेगा, एक कम चलेगा तो यानी एक बार और कम होगा और j++ करेगा। तो इस तरह से आपके ये दोनों लूप चलेंगे, यानी इनर लूप जो है पहले चलेगा आपका 4 टाइम, फिर 3 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 1 टाइम। तो इस तरह से आपका ये एलिमेंट अरेंज होते जाएंगे। तो आप यहां से देखिए जो पहली बार में होगा वो क्या होगा, कंपेयर कराएगा 5 को जब 4 से कंपेयर कराएगा तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये पहली बार में आपका ये हो जाएगा, फिर दोबारा चलेगा तो क्या होगा, यही 5 फिर से कंपेयर करेगा 3 से, 5 को 3 से कंपेयर करेंगे तो क्या है, 5 बड़ा है, 5 और आगे जाएगा, तो 5 और आगे जाएगा तो 3 5 क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। फिर तीसरी बार में जब लूप चलेगा तो फिर क्या होगा, फिर ये हो जाएगा आपका 4 3 2 5 और 1, इस तरह से बढ़ता जाएगा और फिर आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 3 2 1 और 5। देखिए एक एलिमेंट अपने आप ही पहली बार में अरेंज हो गया। तो ये फर्स्ट के लिए इस तरह से एल्गो चलेगी। अब जो आपका बन गया वो इस तरह का आपका बन गया, अब जब दोबारा यहां पे कंडीशंस फॉल हो जाएगी तो फिर से आएगा, अब यहां आई की वैल्यू बढ़ा देगा 1 से, जब 1 से वैल्यू बढ़ा देगा तो आई की वैल्यू 1 हो गई, और 1 जो है वो किससे छोटा है, n-1 से, यानी 1 4 से छोटा है, n है 5, 5-1 4, तो 1 4 से छोटा, यानी कंडीशन ट्रू है तो अंदर आ जाएगा। फिर अंदर आ जाएगा तो अगली बार क्या ये आइट्रेशन होगा, किस तरह से आइट्रेशन होगा, ये देखिए ये आइट्रेशन इस तरह से होगा कि ये लास्ट में जो हमारा आया उसको हम लिख लेते हैं, हमारा आया 4 3 2 1
और 5, 5 तो हो चुका है अरेंज, इसलिए 5 को नहीं दिखाएंगे, 5 अरेंज हो चुका है तो उसको छोड़ दें क्योंकि एक बार और कम चलेगा। तो अब यहां से इसको इसको कंपेयर कराना है, तो ये कंपेयर हुआ, तो कंपेयर होके क्या आया 3, 4, 2, 1। फिर अगली बार चलेगा लूप तो फिर कंपेयर करेगा, यही वाली डिजिट इससे कंपेयर करेगी, कंपेयर किया तो क्या आ जाएगा 3, 3, 2, 4, 1। फिर 1 और 4, अभी भी कंडीशन ट्रू है, ये 4 बड़ी वैल्यू है, 1 छोटी वैल्यू है, तो क्या होगा आ जाएगा 3, 2, 1, 4। यानी आप देखिए 4 और 5 अरेंज हो गए, 5 पहले से अरेंज था और 4 भी अरेंज हो गया। अब क्या है, अब यही लूप अब यहां से बाहर निकलेगा फिर ऊपर जाएगा, अब ये क्या चलेगा 3 बार के लिए चलेगा। अब एलिमेंट इसमें क्या बचे 3, 2, 1, यानी अब ये एलिमेंट बचा पहला, ये एलिमेंट बड़ा इससे बड़ा है, बिल्कुल सही बात है बड़ा है, तो ये स्वैप होगा तो आ जाएगा 2, 3, 1। उसके बाद इसको फिर इससे कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 2, 1, 3। अब कितना बार, अब कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा, पहली बार चला इससे कंपेयर कराया, कंपेयर हुआ ये 2 जो है बड़ा है, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से क्या हुआ हमारा एरे पूरा अरेंज हो गया। तो बबल शॉर्टिंग में ये कॉन्सेप्ट होता है, किस तरह से एरे अरेंज होता है, ये आप लोगों ने देखा कि एल्गो किस तरह से वर्क करती है, यानी जो हमारा की एलिमेंट होता है उसको हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर कराते हैं, की एलिमेंट को नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर कराया, अगर वो एलिमेंट जो पहले में पड़ा हुआ है वो बड़ा है दूसरे वाले एलिमेंट से तो वो स्वैप हो जाएगा, फिर यही काम जो है आगे चलता जाएगा, फिर यही फिर एक पोजीशन बढ़ जाएगी, फिर नेक्स्ट एलिमेंट से चेक कराएगा, अगर वो बड़ा है तो फिर स्वैप होगा, फिर तीसरे फिर तीसरी बार में यही पूरा प्रक्रिया होगी, फिर चेक कराएगा कि ये इस एलिमेंट से छोटा है कि बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो फिर स्वैप हुआ, तो देखिए पोजीशन चेंज हो गई, और फिर लास्ट 4th पोजीशन पे भी चेक कराएगा, अगर वो बड़ा है तो स्वैप हो जाएगा। इस तरह से जो 5वां एलिमेंट है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो आखिरी में आ जाएगा। उसके बाद फिर यही प्रक्रिया, जे वाला पूरा एक बार लूप कंप्लीट हो गया, फिर वो अगली बार जाएगा, आई की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 1, और यहां पर फिर ये चलेगा आपका, चूंकि आई की वैल्यू 1 हो गई तो यहां पहले बार 4 बार चल रहा था, फिर 3 बार चलेगा, फिर 2 बार चलेगा, फिर 1 बार चलेगा, और जब जब एक जब 0 0 के बराबर हो जाए, एक जब एक एक बार चलेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगली बार 0 हो जाएगा, यहां भी 0 हो जाएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। इस तरह से हम पूरा एरे जो है असेंडिंग ऑर्डर में ले आएंगे, और जो आउटपुट हमारा, जो हमारा पहले था वो अरेंजमेंट था हमारा 5, 4, 3, 2, 1, अब जो अरेंजमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5। उसके लिए सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 फॉर के लूप चला रहे हैं, और किस तरह से ये स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आएगा, सिर्फ स्वैपिंग की जा रही है यहां पर, स्वैपिंग करके हम लोग अपने एरे को प्रिंट करा रहे हैं। तो आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बबल शॉर्ट वर्क करता है, तो बबल शॉर्ट किस तरह से वर्क करता है ये आपको आ गया होगा समझ में। कल हम आपको नेक्स्ट टर्न पे, जब आपका नेक्स्ट टर्न आएगा तो आपको हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट बताएंगे, और उसके बाद बबल शॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट का एक कोड बताएंगे, सोर्स कोड जो आपका वहां पर रन करेगा, और आपका इस तरह से यहां पर एप्लीकेशन ऑफ एरे में आपने पहली चीज पढ़ी बबल शॉर्ट। थैंक यू क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर सॉक्रेटिस। स्टूडेंट्स, एज आई वॉज इन्फॉर्म दैट दिस चैप्टर वॉज मिस्ड, इन सम सेक्शन इट वॉज टॉट एंड इन सम सेक्शन इट वॉज नॉट टॉट, दैट्स वाई आई एम गोइंग टू रिपीट द चैप्टर सॉक्रेटिस दैट इज रिटन बाय रोडा पार। रोडा पार इज अ ब्रिटिश राइटर, स्टोरी राइटर। She was born in London and devoted her life in service of literature. Here, she is going to narrate in the story a great character, Socrates. In Hindi, we call it Sukrat. The life history has been described by the Rhoda Parr in the story in 2 parts, part first and part second.
as far as Socrates is concerned, he really was a great thinker, a great philosopher, but how he suffered for his philosophy in his life, that is described in the story. In the first part, we see the childhood part of the Socrates. Although he was an ugly boy, yet he was a great thinker, born thinker, and his thinking power inspired him, motivated him to do a great work in Athens. Athens is the city of Greek, Yunnan ka ek nagar hai, Athens, jahan par Socrates yani Socrat ka janm hua tha. Let us start our story. First part of the story. Socrates lived in Athens. Socrates Athens mein rehte the about 400 years before Jesus Christ was born. Jesus Christ ke janm se, birth se 400 years ago, 400 वर्ष पहले सुकरात का जन्म यूनान के एथेंस नगर में हुआ था. As a boy, he was ugly, undersized, and had flat nose and bulgy eyes. वो देखने में बहुत ही कुरूप से कुरूप थे, बदसूरत थे और undersized, शॉर्ट हेडेड थे. Had a flat nose, उनकी चपटी नाक थी, and bulging eyes, और बाहर की तरफ उभरी हुई आँखें थी. बल्गिंग आइज कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम द सॉकेट, यानी जो दायरा होता है आँखों का, आउटपिट होती है, उससे बाहर की तरफ निकली हुई आँखें. हिज फादर वॉज अ पुअर स्टोन कटर, उनके पिता एक गरीब पत्थर काटने वाले थे. इट मीन्स ही वॉज बॉर्न इन ए पुअर फैमिली फाइनेंशली एंड एज फार एज फिजिकल पर्सनैलिटी ही डज नॉट पॉजेस अलॉट. So he was always rather shabby dressed. As he was a poor boy, that's why he did not look smart. He didn't have smart look. ना बहुत shabby dressed मतलब बहुत शालीनता, बहुत smart कपड़े पहन के personalities दिखा के वो नहीं रहते, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहनते. Like other boys of his age, अपने युग के अन्य लड़कों की तरह he went to school, वो भी पढ़ने गए. He started his schooling, where the most important lesson were music and gymnastics. At that time, in Athens, the important subjects were music and gymnastics. तो सुकरात ने भी इन महत्वपूर्ण विषयों यानी संगीत और शारीरिक व्यायाम विषयों की शिक्षा शुरू की, प्रारंभ किया. He also learned some science and mathematics. उन्होंने साइंस और मैथ्स, गणित का भी, मैथमेटिक्स का यानी गणित का भी थोड़ा अध्ययन किया. एंड लिटिल अबाउट द स्टार्स, साथ ही साथ उन्होंने नक्षत्र विज्ञान, तारों का यानी नक्षत्र विज्ञान का भी थोड़ा सा अध्ययन प्राप्त किया. बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, लेकिन उन्होंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी का बहुत गहरा ज्ञान नहीं प्राप्त किया एज चिल्ड्रन लर्न टूडे, जैसा कि आज के बच्चों को पढ़ाया जाता है. मतलब मॉडर्न एज में हिस्ट्री ज्योग्राफी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में सिलेबस में प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, ऐसा उस टाइम नहीं था. एथेंस में जिम्नास्टिक यानी शारीरिक विज्ञान, म्यूजिक यानी संगीत, साइंस, मैथमेटिक्स, ऐसे सब्जेक्ट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी. तो सुकरात ने भी इन सब्जेक्ट्स यानी ज्योग्राफी, हिस्ट्री के अलावा स्टार्स के, मैथ, साइंस के बारे में भी अध्ययन किया, बट स्पेशली उन्होंने म्यूजिक और जिम्नास्टिक को ज़्यादा ध्यान दिया. दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, ये विचित्र छोटा प्राणी, विद शॉर्ट नेक, छोटी गर्दन वाला, एंड प्लेन फेस, और समतल सपाट चेहरे वाला, वॉज अ थॉटफुल चाइल्ड, एक विचारवान बच्चा था. मतलब बाय पर्सनैलिटी, बाय फिजिकल चार्म्स, फिजिकल लुकिंग, ही डिड नॉट पॉजेस गुड एंड साउंड पर्सनैलिटी, बहुत अच्छा व्यक्तित्व, सुंदर हैंडसम वाला व्यक्तित्व जो है उनका नहीं था. ही वॉज हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम, लेकिन वो विचारवान बच्चे थे. मतलब बचपन से ही उनके अंदर एक क्वालिटी गॉड ने दी थी, टू थिंक क्लियरली, स्पष्ट रूप से, हाउ टू थिंक अबाउट हिमसेल्फ, स्वयं अपने बारे में स्व अध्ययन करने की पावर ईश्वर ने उन्हें दी थी.
ही वॉज हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम, हर समय वो अपने साथियों को, अपने प्रेमेंट्स को, अपने क्लासमेट्स को वॉच यानी निगरानी ध्यान से देखा करते थे, लुक केयरफुली एंड ऑल द टाइम एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू स्केप हिज नोटिस. स्केप मीन्स बच के निकल जाना, है ना, चूक जाना. तो ऐसे अपने संगी साथियों की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी, कोई भी आदत नहीं थी, कोई भी वर्क नहीं था, कोई भी स्टडी सिस्टम नहीं था जिसको वो प्रॉपरली नोटिस नहीं करते या उनकी आंखों से बचकर गुजर जाए. हर चीज को वो बारीकी से वॉच करते थे. सोक्रेटिस डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और फाइन फर्नीचर. सुकरात के पास बहुत बड़ा घर या बहुत आलीशान फर्नीचर नहीं था. He did not seem to want either wealth or beautiful possession. और उनमें want माने चाहत भी नहीं, इच्छा भी नहीं थी कि वो इन चीज़ों को, यानी चाहे इधर wealth, चाहे धन की बात हो, इधर beautiful possession या बहुत सुंदर, यानी यहाँ सुंदरता का मतलब भौतिकवादी possessions माने साधन, है ना, कि सोफा भी होना चाहिए, ये भी मॉडर्न फैसिलिटीज से सारी चीज़ें अवेलेबल हो, ऐसा वो नहीं. सुख भोगने वाली चीज़ों के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं था. As he grew older, जैसे जैसे वो बड़े होते गए, he began to think very little of worldly comfort. शरीर को सुख प्रदान करने वाली यानी भौतिक सुविधाएं प्रदान करने वाली चीज़ों के बारे में उन्होंने सोचना बहुत कम कर दिया. एंड प्लेजर और आनंद प्रदान करने वाली चीज़ों के बारे में भी सोचना कम कर दिया. ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वॉज नॉबल ऑनरेबल एंड जस्ट. उन्होंने अपना मस्तिष्क पूरी तरह से किधर को लगाया, उन चीज़ों की तरफ लगाया जो नॉबल थी, मतलब नॉबिलिटी सज्जनता और मनुष्यत्व से जुड़ी हुई थी, ऑनरेबल सम्माननीय थी, एंड जस्ट और न्यायोचित थी, जो न्यायोचित यानी न्याय संगत चीज़ें थी और जो मनुष्य की मनुष्यता को प्रभावित करने वाली बातें थी और सम्मान को प्रभावित करने वाली चीज़ें थी. अपना पूरा मस्तिष्क, अपनी पूरी सोच उस तरफ कॉन्सेंट्रेट की, एकाग्र की. सोक्रेटिस देन राउंड द टाउन ऑन फूट. सुकरात पैदल ही गलियों में चले जाया करते थे एंड टॉक टू द पीपल और लोगों से बातचीत करते थे. द एथियंस बिगिन टू लुक फॉर हिज फेमिलियर फिगर. लुक फॉर मैंने तलाशना, ढूंढना, एंड फैमिलियर मैंने परिचित, फिगर मैंने आकृति. इन द स्ट्रीट या फैमिलियर फिगर इज रेफर्ड फॉर सोक्रेटिस. ये फैमिलियर फिगर जो है ये शब्द सुकरात के व्यक्तित्व के लिए प्रयोग किया गया है. स्ट्रीट मैंने गलियां, ठीक है, लोग अपनी गलियों, जो जहाँ रहता था उनमें अपने आस पास एरिया में गलियों में उस परिचित आकृति अर्थात सुकरात को ढूंढने लगे ताकि वह उनसे बात कर सके एंड टू स्टे टू देयर फ्रेंड्स और उनके मित्र बन सके. या दैट सोक्रेटिस जब वो एक दूसरे को देखते थे तो कहते थे हाँ देखो ये सुकरात है, कम अलोंग आगे आओ एंड टॉक टू हिम और उनसे बात करो. आफ्टर सम टाइम सोक्रेटिस बिकेम फेमस एज अ टीचर. एज सोक्रेटिस ग्रू ओल्डर, जैसे वो बड़े हुए, थोड़ा मच्योर हुए, तो वो शिक्षक बन गए. ही वॉन्डर्ड अलॉन्ग द रोड्स. वो सड़कों पर गलियों में टहलते थे. स्टूड इन द मार्केट प्लेसेस और स्थानीय बाजारों में खड़े हो जाते थे, रुक जाते थे. टॉकिंग टू एनी वन हु केयर टू ग्रीट हिम. और हर किसी से बात करते थे जो उनसे बात करना पसंद करता था. वो हर व्यक्ति जो केयर करता था उनकी, उनकी बात सुनना चाहता था, उससे वो बात करने लगते थे. His listeners were often confused. उनके जो listeners थे, श्रोता थे, सुनने वाले थे, वो often मतलब प्रायः confused, doubt में आ जाते थे, संदेह में आ जाते थे. After they had argued with him or answered his question. After they had argued, बहस करने के बाद और उनके प्रश्नों के जवाब देने के बाद अक्सर लोग confused हो जाते थे. क्यों? क्योंकि जो उनके प्रश्न थे वो दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए थे और जिसका रहस्य आम व्यक्तियों को नहीं मालूम था. तो जब वो क्रॉस क्वेश्चन करते थे तो ज़्यादातर वो कंफ्यूज हुए, डाउट में आ जाते थे. तब उनके डाउट्स को कौन सॉल्व करता था? सोक्रेटिस. सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्री मैन दैट एवरी वन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ. सोक्रेटिस ने अपने देशवासियों को सिखाया कि अपने बारे में सोचना सीखना शुरू करो.
सो दैट ताकि बाय यूजिंग हिज रीजन अपने विवेक मतलब द सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग विवेक उचित अनुचित का निर्णय ये सोचना शुरू करो एंड ही वुड हैव द पावर टू सी व्हाट वाज राइट. अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको ये पावर मिल जाएगी कि व्हाट वाज राइट जस्ट ट्रू एंड ब्यूटीफुल रियली जो राइट है जस्ट है मतलब न्यायिक है सत्य है सुंदर है सच्चा सौंदर्य साहित्य और सच्चाई सौंदर्य और उचित न्यायोचित बातें वो चेक कर सकेंगे क्योंकि उनको अपने रीजन अपने लॉजिक का यूज करना आ जाएगा. ओके स्टूडेंट दैट्स इनफ फॉर टुडे. इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू आवर द चैप्टर. टिल दैट हैव अ नाइस डे. स्टूडेंट्स आज मैं क्लास टेंथ में विषय हिंदी ओके विषय गद्य का जो लेसन है लास्ट लेसन है पानी में चंदा और चांद पर आदमी इसके लेखक हैं जयप्रकाश भारती. मैं उसको आपको पढ़ाती हूँ. पहले जयप्रकाश भारती की जीवनी आपको पढ़ाऊंगी. इसके उपरांत पानी में चंदा और चांद पर आदमी इस शीर्षक को पढ़ा. देखिए बच्चों पहले जीवनी ध्यान से. जन्म सन 1936 ईस्वी जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश. पिता का नाम रघुनाथ साय एडवोकेट. भाषा सरल हिंदी. इनकी रचनाएं हैं ऐसे थे मेरे बापू हमारा देश हमारा देश देश हमारा चलो चांद पर चले हिमालय की पुकार. इनकी मृत्यु 5 फरवरी 2005 को. जीवन परिचय में आए प्रसिद्ध पत्रकार एवं लेखक जयप्रकाश भारती का जन्म सन 1936 ईस्वी में मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ. हिंदी की साहित्यिक शैली में मनोवैज्ञानिक लेख प्रस्तुत करने में उन्हें विशेष सफलता और ख्याति मिली. उनके पिता रघुनाथ साय एडवोकेट मेरठ के पुराने कांग्रेसी और समाज सेवी थे. भारती जी ने मेरठ में ही बीएससी तक का अध्ययन किया. उन्होंने छात्र जीवन में ही समाज सेवी संस्थाओं में भाग लेना आरंभ कर दिया था. मेरठ में साक्षरता प्रसार के कार्य में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा तथा वर्षों तक उन्होंने निःशुल्क प्राण रात्रि पाठशाला संचालित की और संपादन कला विशारद जयप्रकाश भारती ने दैनिक प्रभात मेरठ तथा नवभारत टाइम्स दिल्ली में पत्रकारिता का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया. साक्षरता निकेतन लखनऊ में नव साक्षर साहित्य लेखन का विशेष प्रशिक्षण भी लिया. 69 वर्ष की अवस्था में लंबी बीमारी के बाद 5 फरवरी 2005 को मेरठ में उनका निधन हो गया. भाषा शैली में देखिए जयप्रकाश भारती की भाषा अत्यंत सरल व शैली रोचक है. इनकी शैली में वर्णात्मकता व रचनात्मकता का मेल रहता है. भारती जी के मुख्यतः वैज्ञानिक लेखों से प्रसिद्ध हुए. इनके वैज्ञानिक विषयों पर लिखे निबंधों की भाषा अत्यंत प्रभावपूर्ण खड़ी होती है. अपनी भाषा में इन्होंने साधारण भाषा के साथ बोलचाल की व्यवहारिक भाषा उर्दू फारसी मुहावरों कहावतों आदि का उपयोग किया है. इनकी प्रमुख रचनाओं में आए पहले देखें भारती जी का निबंध है पानी में चंदा और चांद पर आदमी. वैज्ञानिक विषय पर लिखा गया निबंध है जिसमें इन्होंने अपनी सभी खूबियों का प्रमाण दिया है. इन्होंने पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी चंद्रयान आदि सभी विषयों का विस्तृत वर्णन किया है. आपने अपनी प्रतिभा के बल पर आधुनिक साहित्यकारों का भी पर्याप्त मार्गदर्शन किया है. इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए जिसमें हिमालय की पुकार अनंत आकाश अथाह सागर यूनेस्को द्वारा विज्ञान की विभूतियाँ चलो चांद पर चले भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत. इनकी अन्य प्रकाशित पुस्तकें हैं सरदार भगत सिंह हमारे गौरव के प्रति बर्फ की गुड़िया और अस्त्र शस्त्र आदि युग से अनयुग तक. उनका बचपन यूं ही था ऐसे थे हमारे बापू लोकमान्य तिलक बर्फ की गुड़िया
संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत का संविधान, दुनिया रंग बिरंगी हीरों का हार आदि। ये लगभग 100 से अधिक किरण मालाएं की कहानियां रिपोर्टाज सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। बच्चों, जयप्रकाश भारती की जीवनी आप अपनी क्लास वर्क की कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आपको महत्वपूर्ण बिंदु लिखना है और जीवन परिचय लिखना है। इसके बाद भाषा शैली के बाद रचना है और हिंदी जगत में स्थान लिखें अथवा न लिखें कोई खास बात नहीं है। अब पाठ में आते हैं। देखिए, ध्यान से सुनेंगे और पीछे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर आप अपनी होमवर्क कॉपी में लिखेंगे। दुनिया के सभी भागों में स्त्री पुरुष और बच्चे रेडियो से कान सटाए बैठे थे। जिनके पास टेलीविजन थे वे उसके पर्दे पर आंखें गड़ाए थे। मानवता के संपूर्ण इतिहास की सर्वाधिक रोचक रोमांचक घटना के एक एक क्षण के वे भागीदार बन रहे थे। उत्सुकता और कौतूहल के कारण अपने अस्तित्व से ही बिल्कुल बेखबर हो गए थे। युग युग से किस देश और जाति ने चंद्रमा तक पहुंचने के सपने नहीं संजोए। आज इस धरा के ही दो मानव सपनों को सच कर दिखाने के लिए कृत संकल्प थे। बच्चों, इस पैराग्राफ में दो मानव जो वैसे प्राचीन काल से ही मनुष्य ये कल्पना करता रहा है कि चंद्रमा पर भी क्या पहुंचा जा सकता है, तो आज सभी का ये सपना सच होने वाला था और ये ऐसे ही दो महामानव थे जो चंद्रमा पर जाने के लिए उत्सुक थे। सोमवार 11 जुलाई 1969 के बहुत सवेरे ईगल नामक चंद्रयान नील आर्मस्ट्रांग और एडवन एल्ड्रन को लेकर चंद्र तल पर उतर गए। चंद्रयान मून को धूल उड़ाता हुआ चंद्रमा के जल विहीन शांति सागर में उतरा। भारतीय समय के अनुसार 1:47 तक किसी अन्य ग्रह पर मानव पहली बार पहुंचा। असीम अंतरिक्ष को चीरते हुए पृथ्वी से 4,00,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा पर पहुंचने में मानव को 102 घंटे 45 मिनट और 42 सेकंड का समय लगा। अपोलो 11 को केप केनेडी के से बुधवार 16 जुलाई 1969 को छोड़ा गया था। इसमें 3 यात्री थे बच्चों। पहला कमांडर नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और एडवन एल्ड्रिन। चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान मूलयान कोलंबिया से अलग हो गया, फिर चंद्र तल पर उतर गया। उस समय माइकल कॉलिंस मूलयान ने 96 किलोमीटर की ऊंचाई पर निरंतर चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे थे। नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्र तल से पृथ्वी का वर्णन करते हुए कहा, ये बहुत बड़ी है, चमकीली और सुंदर है, बिग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। एडवन ने भाव विभोर होकर कहा, सुंदर दृश्य है, सब कुछ सुंदर है। उसने कहा कि जहां हम उतरे हैं उससे कुछ ही दूरी पर हमने बैंगनी रंग की चट्टानें देखी। चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानें सूर्य की रोशनी में चमक रही थी जबकि वो बैंगनी रंग की नहीं थी। यह एक भव्य एकांत स्थान है। चंद्रयान ठीक स्थिति में है। यह निरीक्षण करके कुछ खा पीकर और सस्ता लेने के बाद नील आर्मस्ट्रांग चंद्रयान से बाहर निकले। चंद्रयान की सीढ़ियों से धीरे धीरे वह नीचे उतरे। उन्होंने अपना बायां पांव चंद्र तल पर रखा जबकि दायां पांव चंद्रयान पर ही रहा। इस बीच आर्मस्ट्रांग दोनों हाथों से चंद्रयान को अच्छी तरह पकड़े रहे। उन्हें यह तय कर लेना था कि वैज्ञानिक चंद्र को जैसा समझते हैं वह उससे एकदम भिन्न तो नहीं। आश्वस्त होने के बाद वह यान के आसपास ही कुछ ही कदम चले। चंद्रमा पर पांव रखते हुए उन्होंने कहा, यद्यपि यह मानव का छोटा सा कदम है लेकिन मानवता के लिए बहुत ऊंची छलांग है। कहने का तात्पर्य है, मनुष्य सदियों से यही सोचता रहा कि क्या कभी वो चंद्रमा पर पहुँच पाएगा, लेकिन उनका ये सपना सफल हो गया। अभी तक एल्डिन भले ही भीतर बैठा हो लेकिन वह निष्क्रिय नहीं था। उसने मूवी कैमरे से आर्मस्ट्रांग के चित्र लेने शुरू कर दिए। 20 मिनट बाद ही एडविन एल्डिन भी चंद्रयान के बाहर निकले। उन्होंने भी चंद्र तल पर चलकर देखा। तब तक आर्मस्ट्रांग चंद्र धूल का एक तात्कालिक नमूना जेब में रख चुके थे।
अब उन्होंने टेलीविजन कैमरे को त्रिपाद पर जमा दिया। अरबों डॉलर खर्च करके मानव चंद्र तल पर पहुंचा था। उसे अपने सीमित समय में एक एक क्षण का उपयोग करना था। दोनों चंद्र विजेताओं को चंद्रमा की चट्टान तथा मिट्टी के नमूने लेने, कई तरह के उपकरण भी वहां स्थापित करने थे जो बाद में ये पृथ्वी पर वैज्ञानिक जानकारी भेजते रहे। इन चंद्र विजेताओं ने चंद्र तल पर भूकंप मापी यंत्र स्थापित किया और लेसर परावर्तक रखा। इन्होंने एक धातु फलक जिन पर तीनों यात्रियों और अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के हस्ताक्षर थे, वहां रखा। धातु फलक पर खुदे शब्दों का अनुष्ठान ने जोर से पढ़ा। जुलाई 1969 में पृथ्वी ग्रह के मानव चंद्रमा के इस स्थान पर उतरे। हम यहाँ सारी मानव जाति के लिए शांति की कामना लेकर आए। दोनों चंद्र यात्रियों ने अमेरिकी ध्वज चंद्र तल पर फहरा दिया। वायु न होने के कारण इस ध्वज को इस तरह से बनाया गया था कि स्प्रिंग की सहायता से वह फैला हुआ ही रहे। विभिन्न राष्ट्र ध्वजों के संदेशों की माइक्रोफिल्म भी उन्होंने चंद्र तल पर छोड़ दी। दो रूसी अंतरिक्ष यात्री बच्चों कौन थे? यूरी बागरिन और एमके मोरोव को मरणोपरांत दिए गए पदक और तीन अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों किशिम व्हाइट और सैफी को दिए गए पदकों की अनुकृतियां वहां रखी। अपने व्यस्त कार्यक्रम को पूरा करने में चंद्र यात्रियों को थकान हो जाना स्वाभाविक था, लेकिन फिर भी वे बड़े प्रसन्न थे। आरंभ में वे बड़ी सावधानी के साथ एक एक कदम रख रहे थे, लेकिन बाद में वे कंगारुओं की तरह उछल उछल कर चलने लगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अब उन्हें ये पता चल गया था कि यहाँ पर कोई हमें नुकसान नहीं हो सकता। मानव को चंद्रमा पर उतारने का ऐसा प्रथम प्रयास होते हुए भी असाधारण रूप से सफल रहा। यद्यपि हर क्षण हर पग पर खतरे थे, चंद्र तल पर मानव के पांव के निशान उसके द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में की हुई असाधारण प्रगति के प्रति। जिस क्षण डगमग करते मानव के पग धूल दूसरी अंछी सतह पर पड़े तो मानव है हजारों लाखों वर्ष से पालित पोषित सैकड़ों विश्वासों तथा खगोल कल्पनाओं पर पद प्रहार ही हुआ। कवियों की कल्पना के सलोने चांद को वैज्ञानिकों ने बदसूरत और जीवनहीन करार दे दिया। भला चंद्रमुखी कहलाना कैसे रुचकर लगेगा? हमारे देश में ही नहीं, संसार की प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में कहानियां बढ़ी और कवियों ने कविताएं रची। किसी ने उसे रजनीपति माना है तो किसी ने उसे रात्रि की देवी कहकर पुकारा। किसी गृहिणी ने उसे अपना दूध बनाया तो किसी ने उसके पीलेपन से चुप होकर उसे बूढ़ा और बीमार ही समझ लिया। बालक श्री राम चंद्रमा को खिलौना समझ कर उसके लिए मचलते हैं तो सूर के श्री कृष्ण भी उसके लिए हट करते हैं। बालक को शांत करने के लिए एक ही उपाय था, चंद्रमा की छवि को पानी में, यानी जब बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से भैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ इस तरह मचलते थे तो माताएं परात में पानी भर करके और आंगन में रख देती थी। चंद्रमा का प्रतिबिंब उस परात में पड़ता था और बच्चों को वो इस तरह से शांत कर लेती थी। लेकिन मां की प्रगति का चक्र कितना घूम गया। इस लंबी विकास यात्रा को श्रीमती महादेवी भगवान ने एक ही वाक्य में रंग दिया। पहले पानी में चंदा को उतारा जाता था और आज चांद पर आदमी पहुंच गया। यानी आज के युग में वैज्ञानिक प्रगति कितनी अधिक हो गई है कि मनुष्य कभी सोचा भी नहीं था कि कभी हम चंद्रमा पर पैर रखेंगे, लेकिन वो चंद्रमा पर गए। पहले इन बच्चों को राम हो चाहे कृष्ण हो और भी बच्चों जब ये जिद करते थे अपनी माताओं से तो माताएं परात में पानी भर कर चंद्रमा के प्रतिबिंब को दिखाती थीं। लेकिन आज महादेवी वर्मा ने जो कहा है कि पहले पानी में चांद को उतारा जाता था और चांद पर आज आदमी पहुंच गया। मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जाने समझने को उत्सुक रहा। जहां तक मैं नहीं पहुंच सकता वहां एक कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुंचा। उसकी प्रगाढ़ और अविश्वासी कथाएं उसके सत्य के निकट पहुंचने में प्राण शक्ति का काम करती। अंतरिक्ष युग का प्रश्न बनता है कि अंतरिक्ष युग का सूत्रपात 4 अक्टूबर यानी कब हुआ? अंतरिक्ष युग का सूत्रपात 4 अक्टूबर 1957 को हुआ।
जब सोवियत रूस में अपना पहला स्पुतनिक छोड़ा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ। अंतरिक्ष युग के आरंभ से ही ठीक 11 वर्ष 9 मास 17 दिन बाद चंद्र तल पर मानव उतर गया। दिसंबर 1968 में पहली बार अपोलो 8 के तीनों अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के पड़ोस तक पहुंचे। बीच की अवधि में रूस और अमेरिका दोनों ही देशों ने अनेक अंतरिक्ष यान छोड़े। इनमें कुछ समानव यान थे और कुछ मानव है। इसे मानव का साहस कहें या दुस्साहस कि उसने अंतरिक्ष में पहुँच कर यान से बाहर निकल कर अनंत अंतरिक्ष में अनंत अंतरिक्ष में विचरण शुरू कर दिया। अंतरिक्ष में परिक्रमा करते दो यानों को जो चमत्कारी कर्तव्य किए गए अपोलो 11 द्वारा चंद्र विजय से पूर्व मानव अपोलो 10 के इस नाटक का पूर्व अभिनय किया गया। इसके तीन यात्री अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में ले गए। एक यात्री मूल यान को कक्षा में घुमाता रहा और दो यात्री चंद्रतल में बैठ कर उसके चंद्रमा के केवल 9 मील दूरी तक ले गए। इन्होंने चंद्र विजेताओं के उतरने के संभावित स्थल का अध्ययन किया और अनेक चित्र खींचे। चंद्रयान को मूल यान से जोड़ा और फिर सकुशल पृथ्वी पर लौट गया। हेलो स्टूडेंट, आज हम सरफेस एरिया में वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में बेलन, शंकु और इस पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेलन से, सिलेंडर। माना बेलन के आधार की त्रिज्या स्मॉल r तथा ऊंचाई h है। बेलन का आकार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल। बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। अब आइए बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल, किसी भी आकृति का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार कैसा है? वृत्ताकार है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर इनटू h। तो यहां से बेलन का आयतन क्या आ जाएगा? पाई r स्क्वायर h। और आयतन को किसे प्रदर्शित करते हैं? b से, क्योंकि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। अब हमें निकालना है बेलन का वक्र प्रश्न। बेलन का वक्र प्रश्न, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा? 2πRh। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा? 2πRh। अब निकालना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों आधार के क्षेत्रफलों को भी जोड़ेंगे। आधार क्या है? वृत्ताकार है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRh प्लस 2 इंटू वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल 2πR स्क्वायर। यहां पर देखिए दोनों से कॉमन क्या मिलेगा? 2πR कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? h प्लस r। तो यहां से बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या मिल गया? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या मिल गया? 2πR ब्रैकेट में एच प्लस आर। अब इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं शंकु। क्या देखते हैं? शंकु। शंकु इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शंकु को कौन बोलते हैं? माना शंकु के आधार की त्रिज्या आर तथा लंब ऊंचाई, लंब ऊंचाई स्मॉल h एवं त्रियक ऊंचाई क्या है? त्रियक ऊंचाई l, स्लैंट हाइट होते हैं इसको। अब देखिए शंकु, शंकु के आधार की त्रिज्या है स्मॉल r, लंब ऊंचाई क्या है h और त्रिज्या ऊंचाई क्या है l, a o b। अब देखिए त्रिभुज a o b
क्या है, कोण ए और बी है समकोण, कोण ए और बी क्या है समकोण है। अब यहां पर क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, ए बी स्क्वायर बराबर ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ए बी क्या है, शंकु की त्रियक ऊंचाई एल है, ए ओ क्या है शंकु की लंब ऊंचाई एच, और ओ बी क्या है शंकु के आधार की त्रिज्या आर। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां पर दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, जब हम वर्गमूल लेंगे तो एल बराबर आ जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां से त्रियक ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब निकालना है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, एक बटे तीन गुणे पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है, एक बटे तीन गुणे पाई आर स्क्वायर एच। अब निकालना है शंकु का वक्र प्रश्न, शंकु का वक्र प्रश्न, शंकु का वक्र प्रश्न क्या होता है, पाई आर एल, एल का मान अभी हमने निकाला है, एल बराबर क्या होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब निकालना है शंकु का संपूर्ण प्रश्न, शंकु का संपूर्ण प्रश्न, शंकु का संपूर्ण प्रश्न क्या होगा, शंकु का वक्र प्रश्न प्लस वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र प्रश्न क्या है, पाई आर एल प्लस वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहां पर कॉमन क्या ले लेंगे, पाई आर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा एल प्लस आर। तो यहां से हमें शंकु का संपूर्ण प्रश्न मिल गया पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंकुआकार, एक शंकुआकार खोल काट लिया जाता है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। देखिए क्या क्या है, बेलन से एक शंकु काटा गया है, ठीक है, उसी ऊंचाई और उसी आकार, तो बेलन का व्यास क्या है, बेलन का व्यास दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर। व्यास बराबर होता है 2 × त्रिज्या बराबर 1.4, यहां से त्रिज्या आ जाएगी 1.4/2, त्रिज्या आ जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। यह है आधार की त्रिज्या, आर बराबर 0.7 सेंटीमीटर। अब देखिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर। तो यहां से हमें क्या निकालना पड़ेगा, शंकुआकार भाग की त्रिज्या ऊंचाई, शंकुआकार भाग की त्रिज्या ऊंचाई क्या मान लेंगे, l मान लेंगे। हम जानते हैं l बराबर अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, l बराबर अंडर रूट h स्क्वायर, h का मान क्या है 2.4 का वर्ग प्लस r स्क्वायर, r क्या है 7, 0.7 का वर्ग। अब देखिए l बराबर 2.4 का वर्ग करेंगे तो 5.76 आएगा, प्लस 0.7 का वर्ग करेंगे तो 0.4, जोड़ने पर क्या आ जाएगा 6.25। यहां से l का मान क्या आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए क्या फार्मूला बनेगा, शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, देखिए सबसे पहले ये ध्यान देंगे ठोस काटा किससे जा रहा है, बेलन से काटा जा रहा है, बेलन से काटा जा रहा है। जब हम बेलन से समान आधार और समान ऊंचाई का एक शंकु काटेंगे तो शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहले तो बेलन तो रहेगा ही रहेगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ
प्लस। अब देखिए नीचे वाला आधार को कट करके निकल आएगा, लेकिन ये ऊपर वाला आधार रहेगा, प्लस आधार का क्षेत्रफल। कौन से आधार का? ऊपरी आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अब जब हम इसको बेलन उल्टा करेंगे तो हम देखेंगे नीचे से इसकी आकृति कैसी बनेगी, शंक्वाकार क्षेत्र होगा। तो अगर मान लीजिए हमें पेंट करना है तो सबसे पहले बेलन के बाहरी भाग में हम पेंट करेंगे, सबसे ऊपरी भाग में पेंट करेंगे, बाहरी भाग में पेंट करेंगे, इसका क्षेत्रफल आएगा 2πRh, ऊपरी भाग में पेंट करेंगे πR2। जब हम उसको बेलन को उल्टा करेंगे तो पीछे से देखेंगे आकृति कैसी बनेगी, शंक्वाकार। तो शंक्वाकार भाग में जब हम पेंट करेंगे तो शंकु का वक्रप्रस्थ भी आएगा साथ में, प्लस शंकु का वक्रप्रस्थ। तो शेष बचे ठोस वक्रप्रस्थ की क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का वक्रप्रस्थ प्लस ऊपरी आधार का क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार आधार का वक्रप्रस्थ। देखिए बेलन का वक्रप्रस्थ क्या होगा, 2πRh प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है, वृत्ताकार, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πR2। इसके बाद आइए शंकु का वक्रप्रस्थ, शंकु का वक्रप्रस्थ होगा πL। अब यहां पर देखिए तीनों से कॉमन क्या मिल रहा है, πR कॉमन मिल रहा है, ले लेंगे 2h प्लस r प्लस l आएगा। यहां पर क्या बचेगा, 2h बचेगा, यहां पर r बचेगा और यहां पर l बचेगा। अब आइए मान लेते हैं पाई, पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान है 0.7, 2h, h क्या है, ऊंचाई 2.4 प्लस 0.7 प्लस l का मान है 2.5। अब देखिए 7 से 7 काटेंगे 0.1 आएगा, ये 22 गुणे 0.1 करेंगे तो 2.2 है, अब गुणा करेंगे तो 4.8 आएगा प्लस 0.7 प्लस 2.5। अब अगले स्टेप में देखिए 22 गुणे 0.1 करेंगे तो 2.2 आएगा गुणे, अब यहां पर देखिए 4.8 और 0.7 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5.5, 8 × 7 = 15 प्लस 2.5। 5.5 और 2.5 जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 2 = 7 और ये 8 आ जाएगा। अब 8 का गुणा करेंगे 2.2 में 8 × 16 की 6 हंसी गई, 8 × 16 = 17, ये आ जाएगा 17.6 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां पर देखिए शेष बचे तो उसका निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 17.6 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, बच्चों नोट कर लीजिए। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक तंबू 4.2 मीटर व्यास तथा 4 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलन के आकार का है, जिसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है तथा शंकु की ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ₹100 प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात करनी। जो टेंट है नीचे से बेलनाकार है, ऊपर से शंक्वाकार है, बेलन के ऊपर शंकु अध्यारोपित है, इसका मतलब है कि जो बेलन का आधार है और शंकु का आधार समान है, अतः बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या क्या होगी, समान होगी। बेलनाकार भाग की ऊंचाई कैपिटल एच बराबर दिया गया है 4 मीटर, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई स्मॉल एच बराबर है 2.8 मीटर। अब आइए देखते हैं, व्यास बराबर दिया है 4.2 मीटर, व्यास कितना है 4.2 मीटर, ठीक है, तो व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है 4.2 मीटर, तो यहां से r बराबर आ जाएगा 4.2/2, तो r बराबर आ जाएगा 2.1 मीटर, तो यहां से त्रिज्या आ गई 2.1 मीटर। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई h बराबर है 2.8 मीटर, ठीक है, तो यहां पे शंक्वाकार भाग की त्रिज्या ऊंचाई हमें l निकालना है। L बराबर क्या होगा, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, L बराबर अंडर रूट h स्क्वायर, h का मान कितना है 2.8 का वर्ग प्लस r स्क्वायर, r का मान क्या है 2.1 का वर्ग, L बराबर 2.8 का वर्ग क्या आएगा 7.84, क्या आएगा
7.84, 2.1 का वर्ग करेंगे आएगा 4.41। अब आइए अगले स्टेप में, एल बराबर क्या होगा, अंडर रूट 7.84 4.41 को जोड़ेंगे, देखिए 4 और 1 क्या होगा, 5 होगा, ठीक है, 8 और 4 12 की 2, हाँ से 1.0 लगाया, 7 4 11 और 1 12, 12.25 आएगा। अब 12.25 किसका वर्ग होता है, 12.25 आपका 3.5 का क्या होता है, वर्गमूल होता है, तो यहाँ से एल का मान हमें मिल गया 3.5 होता है। अब हमें निकालना है इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। तो देखिए तंबू किससे किससे मिलकर बना है, बेलन से मिलकर बना है और शंकु से मिलकर बना है। तो दोनों के वक्रपृष्ठों को जब हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्र, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्र बराबर क्या होगा, बेलन का वक्रप्रस्थ प्लस शंकु का वक्रप्रस्थ, बेलन का वक्रप्रस्थ प्लस शंकु का वक्रप्रस्थ। अब देखिए बेलन का वक्रप्रस्थ क्या होता है, 2π/h होता है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कैपिटल एच क्या है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कैपिटल एच बराबर है 4 मीटर और उभयनिष्ठ त्रिज्या r बराबर है 2.1 मीटर। बेलन का वक्रप्रस्थ होगा 2π/h प्लस शंकु का वक्रप्रस्थ क्या होगा, π/r/l। अभी हमने l ज्ञात किया है, l का मान क्या है 3.5 मीटर। अब आइए अगले स्टेप में देखते हैं, यहां से देखिए पाई आर हम लोग कॉमन ले लेंगे, 2h+l क्या आएगा, पाई का मान रखते हैं 22/7, r का मान है 2.12h, h का मान क्या है, h का मान है 4 मीटर, बेलनाकार भाग की ऊंचाई है 4 मीटर, स्मॉल l क्या है, शंक्वाकार भाग की द्विघात ऊंचाई है 3.5 मीटर। अब अगले स्टेप में देखिए, 7 का भाग देंगे 0.3 आएगा, 22 × 0.3 × 4 × 8 + 3.5, 22 × 0.3 करेंगे 3 × 6 6.6 × 8 × 3 11.5, जब हम गुणा करेंगे 6.6 × 11.5 का तो क्या आएगा, 75.9 वर्ग मीटर। ठीक है बच्चों, तो यहां से इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल आ गया 75.9 वर्ग मीटर। ठीक है बच्चों, अब आइए देखिए, तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल आ गया 75.9 वर्ग मीटर। अब क्या निकालना है, 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत दिया है हमको, चूंकि 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत, कैनवास की लागत कितनी है 100 रुपए, 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत कितनी है 100 रुपए और कैनवास का क्षेत्रफल कितना आया है 75.9 वर्ग मीटर, इसलिए 75.9 वर्ग मीटर कैनवास की लागत बराबर, कैनवास की लागत क्या होगी 75.9 × 100, 100 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, गुणा करिए तो यह आ जाएगा 7590 रुपए। तो ये क्या आ गया, 75.9 वर्ग मीटर कैनवास की लागत कितनी आ गई 7590 रुपए, 7590 रुपए। और स्तंभों को बनाने में प्रयुक्त कैनवास टेंट के कपड़े का क्षेत्रफल आ गया 75.9 वर्ग मीटर। ठीक है बच्चों,
हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। माय सेल्फ सलीम, टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। टुडेज टॉपिक चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बट मैं आपको लास्ट वीडियो में इस चैप्टर के बारे में बता चुका हूँ, जैसा कि मैं आज फिर से थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगा पहले उसको। जैसा कि मैग्नेट, मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट एक पदार्थ होता है, चुंबक, चुंबक एक पदार्थ होता है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें चुंबक के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी एप्लीकेशन भी हमें सारी पता होनी चाहिए। जैसा कि मैं फिर से रिवीजन करा रहा हूँ स्पीडली कि चुंबक क्या होता है। चुंबक वे पदार्थ होते हैं जो लोहे की छोटे छोटे कणों से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन अगर हम क्या सभी पदार्थों को चुंबक कह सकते हैं? नहीं, सिर्फ हम उन्हीं पदार्थों को चुंबक बोलते हैं जो ये गुण रखते हैं, जैसे निकल, कोबाल्ट, लोहा आदि। अब टॉपिक पे आते हैं चुंबक के गुण। चुंबक के गुण क्या होते हैं? सबसे पहला गुण ये होता है कि लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। सबसे बड़ा और सबसे मेन पॉइंट जो है इसका, वो लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। वो क्यों करता है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा भी। लेकिन टॉपिक पे सेकेंड पॉइंट पर आते हैं कि चुंबक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया है कि जो चुंबक होता है, जैसे ये बार में मैंने एक छह चुंबक लिया, जो छह चुंबक है इसका एक साइड नॉर्थ और एक साइड साउथ होता है। ये चुंबक का ही गुण होता है। चुंबक के दो पोल होते हैं, फर्स्ट नॉर्थ एंड सेकेंड साउथ। ये कैसे होता है? जब चुंबक को हम स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं, स्वतंत्र रूप से धागे से बांध कर लटकाते हैं और उसको अगर मूव करा देते हैं, तो सदैव इसका एक साइड अर्थ के नॉर्थ और अर्थ के साउथ साइड पर ही रुकता है। इसको जितने बार आप मूव कराओगे, वो अगर रुकेगा जाकर के, तो एक साइड नॉर्थ और एक साइड साउथ। तो इसीलिए इसके पास दो पोल होते हैं, नेमिंग कर दी जाती है, एक साइड नॉर्थ और एक साइड साउथ। जो पोल नॉर्थ की ओर जाता है वो नॉर्थ पोल होता है, जो साउथ की ओर आगे सहरता है इसे साउथ पोल। ये ऐसा नहीं होता है कि एक बार मूव किया तो ये साइड नॉर्थ पे आ गया, ये साइड साउथ। नहीं, ये ऑलवेज यही साइड आपका नॉर्थ की ओर आएगा, यही साइड हमेशा किस पे आएगा? साउथ की। जो हमारी पृथ्वी पर उत्तर और दक्षिण है, उस पर अगर किसी मैग्नेट को पकड़ कर हम मूव कराते हैं, तो अगर आगे रुकता है तो उसका एक साइड नॉर्थ और एक साइड साउथ पर ही रुकता है। इसी वजह से उसका साइड क्या होता है? एक साइड नॉर्थ और एक साइड साउथ होता है। फिर चुंबक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस क्षेत्र पर किसी लोहे के कण या चुंबकीय पदार्थ को रखा जाए तो वो चुंबकीय बल का अनुभव करता है, वो चुंबकीय बल का अनुभव करता है। इस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अगर वो यहाँ पर होगा तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, वो यहाँ पर होगा उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, पर वो इस क्षेत्र के अंदर आता है तो उस पर एक बल अप्लाई होता है। वो बल आकर्षित भी कर सकता है और प्रतिकर्षित कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि उस क्षेत्र में कौन सा पदार्थ है। परंतु लोहे की वस्तुएं सदैव आकर्षित होती है, चुंबक से चुंबक आकर्षित भी होता है और प्रतिकर्षित भी होता है। अब टॉपिक क्या है कि जो चुंबकीय पदार्थ है, जो इस चुंबकीय पदार्थ को यहाँ पर रखा गया, ये बल, तो ये बल कॉन्टेक्ट फोर्स होता है कि नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होता है, मतलब संपर्क बल है या असंपर्क बल होता है। संपर्क बल और असंपर्क बल क्या होता है? संपर्क बल वो, जैसे सपोज दैट इस बोर्ड पे अगर मुझे कोई फोर्स अप्लाई करना है या इस चौक पे कोई फोर्स अप्लाई करना है, तो इसे बिना कॉन्टेक्ट किए क्या इसको मैं मूव करा सकता हूँ? नहीं, इसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। जब तक से कांटेक्ट में नहीं आओगे तो फोर्स अप्लाई नहीं होगा, इसे संपर्क बल कहते हैं। असंपर्क बल क्या होता है? जो बिना कांटेक्ट के फोर्स अप्लाई होता है उसे हम असंपर्क बल कहते हैं। जैसा कि आपको टॉपिक पे दिख रहा है कि उसका नॉन कांटेक्ट फोर्स असंपर्क बल का उदाहरण हमारा चुंबकीय बल होता है, जो दूर से ही एक फोर्स अप्लाई करता है जिससे वस्तुओं को आकर्षित कर सकता है और दूर से ही आकर्षित कर सकता है, एज ए या लाइक ए मैजिक। एक जादू होता है जो दूर से ही आकर्षित और प्रतिकर्षित करता है। वो ये क्यों करता है? उसका रीजन है, वो है हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब टॉपिक पे आते हैं कि चुंबक अपने चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस चुंबक के पास नॉर्थ साउथ होते हैं और इस क्षेत्र पर एक बल कार्य करता है, चुंबकीय बल कहते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि चुंबकीय बल क्या होता है, तुम बताओगे? आप बता सकते हैं उसको, क्या बताएंगे? आप बताओगे कि किसी चुंबक के चारों ओर किसी धातु
इसी धातु जैसे लोहा कोबाल्ट निकेल को रखा जाए तो उस पर एक बल लगता है या एक बल का अनुभव किया जाता है, उस बल को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल। वो धातु हमारे निकेल कोबाल्ट में चुंबकीय पदार्थ ही होनी चाहिए और कोई धातु नहीं होनी चाहिए। जैसे टॉपिक पे आते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, वे काल्पनिक रेखाएं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाई जाती है, मतलब वे काल्पनिक रेखाएं। मीन्स आप किसी चुंबक को देखते हो, अगर हमने किसी धातु के कण को यहाँ पर रखा वो आकर्षित हो गया तो क्या वो चुंबकीय क्षेत्र आपको दिखाई देता है, नहीं, चुंबकीय क्षेत्र दिखाई नहीं देता है। पर उसे पेपर पर दर्शाने के लिए या किसी पेपर पे या स्क्रीन पे हमें शो करने के लिए हमें कुछ रेखाओं का यूज करते हैं, वे काल्पनिक होती है, काल्पनिक है कि ये रेखाएं आपको कभी चुंबक को देखने पर उसके आसपास दिखाई नहीं देगी, बट एक कल्पना होती है। इन रेखाओं को हम काल्पनिक रेखाएं कहते हैं और इन रेखाओं से चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाया जाता है, इसलिए इन रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ये वे काल्पनिक रेखाएं हैं जिनका यूज हम चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए इन रेखाओं को हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इन्हें चुंबकीय बल रेखाएं भी कहा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को ही चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, तो आप बता सकते हो कि वे काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक इसलिए कि इन्हें देखा नहीं जा सकता है, मात्र एक कल्पना है। वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती है, मतलब दर्शाती है या डिनोट करती है, ऐसी रेखाओं को हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। क्लियर? अब टॉपिक पे आते हैं कैसे हम फिगर बनाते हैं। तो आप देख सकते हो, मान लेते हैं हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ये चुंबक हो गया, ये क्या हो गया, चुंबक। चुंबक में एक साइड नॉर्थ होता है, एक साइड क्या होता है, साउथ। इस चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र होगा और चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए कैसे यूज करते हैं, आप देख सकते हैं कुछ रेखाएं आपको इस तरह से ड्रॉ करनी होती है। आपने देखा होगा ये सारी रेखाएं, ये बीच में हमारे पास क्या है, मैग्नेट। ये क्या है, मैग्नेट। मैग्नेट का एक साइड नॉर्थ और एक साइड साउथ है, जिसे मैं डार्क कर दे रहा हूँ, और बाकी जो लाइनें आपको दिख रही हैं ये सारी हमारी चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जो नॉर्थ से कहाँ जा रही है, साउथ की ओर। ये और भी यहाँ से रेखाएं निकलती हैं जो कि आगे से जा करके वो यहाँ पर एंटर कर रही है, और पूरी ड्रॉइंग की जाती है जिसको ऐसे ही दिखाया जाता है। जो ये लाइनें यहाँ से गई हैं, ये आगे से ट्रेवल करके यहाँ से आ रही है। अब टॉपिक आता है कि मैग्नेट के चारों चुंबकीय क्षेत्र को मैंने दर्शा दिया और फिर से ये काल्पनिक रेखाएं, ये किसी भी चुंबक में सतह कहाँ से जा रही होती है, नॉर्थ साइड से साउथ साइड की ओर ट्रेवल कर रही होती है। क्या आपने कभी चुंबक देखा है तो ये रेखाएं दिखाई देती है, नहीं, आपको इसके चारों नहीं दिखाई देती, मात्र एक कल्पना है, इनका अनुभव कर सकते हैं। इन काल्पनिक रेखाओं को हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ये सदैव नॉर्थ से कहाँ जाती है, साउथ की ओर जाती है। अब इनके गुण होते हैं, अगर आपसे कोई पूछेगा चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, तो चुंबकीय बल रेखाओं के गुण मैं आपको बताऊंगा। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। अब चुंबकीय बल रेखाओं के गुण एज ए फिगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस फिगर में एक बीच में क्या लेते हैं, चुंबक। चुंबक के चारों क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। उस चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम काल्पनिक रेखाएं लेते हैं। ये काल्पनिक रेखा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस चुंबकीय क्षेत्र को ना तो हम देख सकते हैं और ना ही उस चुंबकीय क्षेत्र में इन रेखाओं को हम देख सकते हैं। सिर्फ इन चुंबकीय बल रेखाओं का इसलिए यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो करने के लिए किया है। जैसे इस टाइम मुझे यहाँ पर चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाना है, तो देखिए मैंने किसका यूज किया है, चुंबकीय बल रेखाओं का यूज किया है। ऐसा किया है, चुंबकीय बल रेखाओं का यूज किया है। तो चुंबकीय बल रेखाओं का जब आप यूज कर रहे हो, तो ये काल्पनिक रेखाएं चुंबक के चारों ओर नहीं दिखाई देती है, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं
रहे हैं तो मात्र ये हमारे लिए क्या है, काल्पनिक रेखाएं जिनकी हमने कल्पना की है, और ये रेखाएं चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। ये चुंबक के चारों ओर होती है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को आपको जानना होगा। उन्हीं प्रॉपर्टीज को जानने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि नॉर्थ और नॉर्थ क्यों प्रतिकर्षित करता है, साउथ और साउथ क्यों प्रतिकर्षित करता है, और साउथ और नॉर्थ क्यों आकर्षित करता है। मीन्स लाइक पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, नो ऑलवेज रिपेल ईच अदर। जो लाइक पोल्स होते हैं ऑलवेज रिपेल करते हैं, मतलब समान जो ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जो विजाती ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं अनलाइक पोल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। जैसा कि स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, पहला पॉइंट देखिए, मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ। सबसे पहले चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा देखो, वो कहाँ से निकल रही है, नॉर्थ से निकल के कहाँ जा रही है, साउथ में, चाहे वो अबव देखो या बिलो देखो, नीचे से भी कहाँ जा रही है, नॉर्थ से साउथ, और जी फ्रंट से निकल रही है, ये भी आगे से जा रही है, कहाँ जा रही है, नॉर्थ से साउथ की ओर। जैसा कि हम कह सकते हैं चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की होती है। पहला पॉइंट है। अगर आपसे कोई पूछता है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो आपको रिपीट कर दे रहा हूं मैं इस लाइन को फिर से। ये रेखाएं सदैव या हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती है। कोई भी चुंबक हो, सर्कुलर चुंबक हो, नाल चुंबक हो, यह हमारा बार मैग्नेट हो, वो सदैव हमारी कहां चलती है, नॉर्थ से साउथ की ओर। बट ये आउटसाइड होती है। कैसी होती है आउटसाइड, मैं इनसाइड ही बताऊंगा, क्योंकि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है क्लोज सर्किल होता है, मतलब पूर्ण वृत्त होता है, जैसे कि बाहर से जा करके अंदर से ऐसे मिलती है। तो अगर चुंबक के बाहर की दिशा देखोगे, अगर ये पूरा पूर्ण सर्किल बन रहा है कंप्लीट, नीचे से भी कंप्लीट सर्किल बन रहा है, तो आप दिशा बता सकते हो कि जो चुंबक के बाहर की दिशा है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है, जो चुंबक के अंदर की दिशा है वो दक्षिण से उत्तर की ओर। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो नॉर्मली आप बोल सकते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर लगती है, पर चुंबक के बाहर। अगर चुंबक के भीतर है, चुंबक के इनसाइड पूछता है चुंबक के अंदर कैसी होगी, तो चुंबक के अंदर जो दिशा है वो साउथ से कैसी होगी, नॉर्थ होगी। याद रखिएगा साउथ से नॉर्थ, आप ये पॉइंट बढ़ा लीजिएगा। फिर इसके बाद टॉपिक पे आते हैं सेकेंड पॉइंट, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के चुंबकत्व पर निर्भर करती है। मीन्स जो चुंबकीय बल रेखाएं वो कितनी फैलेंगी और उनकी संख्या कितनी होगी, वो चुंबक के चुंबकत्व पर निर्भर करती है, उसके पास कितना चुंबकत्व। चुंबकत्व क्या होता है, किसी चुंबक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसे चुंबकत्व या आकर्षित करने की क्षमता होती है, उसे हम चुंबकत्व कहते हैं। और किसी चुंबक में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उसके चुंबकत्व पर निर्भर करती है। टॉपिक पे आते हैं थर्ड में क्या होता है, आप इसमें देखिए स्क्रीन पर, जैसा कि चुंबकीय बल रेखाएं कहीं पर पास पास हैं, आपको ध्रुवों पास पास दिख रही हैं, फिर आप एलव साइड देखोगे तो भी कहे ध्रुव, लो देखोगे तो कैसी है ध्रुव, तो इसका क्या मीन्स होगा। यहाँ पर आपको बताया कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को कैसे प्रदर्शित कर रही है, तो जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है वहां का चुंबकीय क्षेत्र हमारा स्ट्रांग होता है। कैसा होता है, स्ट्रांग। बट जहां पर दूर दूर होती है वहां पर लो होता है। कैसा होता है, लो। मीन्स आप बता सकते हो कि जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, प्रबल मतलब उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। फिर इसके बाद जहां पर दूर दूर होती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, कम होता है। यही इसका पॉइंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहला पॉइंट चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है, दूसरा पॉइंट चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिण से उत्तर की ओर चलती हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबक के चुंबकत्व पर निर्भर करती है, फिर नेक्स्ट पॉइंट जो चुंबक है कि चुंबकीय बल रेखाएं जिस बिंदु पर पास पास होती है वेरी क्लोज, वहां पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेरी स्ट्रॉन्ग, मीन्स वहां पर बहुत ही प्रबल होता है, बहुत हाई होता है। बट जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं देख सकते हैं आप दूर दूर दिख रही हैं, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है, मतलब उसकी वैल्यू कम होती है। यहां पर कोई आपको चुंबकीय पदार्थ रखने पर उनकी आकर्षित करने की क्षमता कम हो सकती है, बट यहां पर पोलों पर या ध्रुवों पर उसकी वैल्यू बहुत अधिक होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं,
ये रेखाएं एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती। आप देख रहे होंगे क्या ये एक जो रेखाएं दिख रही हैं वो उत्तर से कहां जा रही है, दक्षिण की ओर। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती है। क्या आपको काटती हुई दिख रही है? नहीं, ये एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती। इसका कारण क्या है मैं बताऊंगा कि चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो आप बता सकते हो कभी भी कोई हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती है वो क्या एक साथ किसी दो डायरेक्शन को इंडिकेट कर सकती है? नहीं, अगर वो मूव कर रही है उसको इंडिकेशन जा रहा है वो एक ही डायरेक्शन को शो कर सकता है, जो कि यहाँ पर इम्पॉसिबल है। अगर एक दूसरे को ये क्रॉस करेगी तो वहां पर या जिस बिंदु पर क्रॉस करेगी उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं बनेगी। मैं दिखा सकता हूँ, सपोज है जैसे मान लो ये हमारे पास एक बल रेखा है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी? सामने की ओर होगी। ये भी है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी? सामने की ओर। बट अगर इसी बल रेखा को इसको क्रॉस करूं तो बताइए इस पॉइंट पर अगर दिशा देखोगे तो चुंबकीय बल रेखा कहाँ जा रही है? सामने की ओर। चुंबकीय बल रेखा कहाँ जा रही है? सामने की ओर। तो इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशाएं होंगी वो कितनी होंगी हमारे पास? दो। दिस इज इम्पॉसिबल प्रोसेस। ये हमारे पास क्या है? एक इम्पॉसिबल वर्क है। किसी भी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती हैं। और चुंबकीय क्षेत्र हमारी सदिश राशि है, इसके पास परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, इसीलिए चुंबकीय बल रेखाएं दूसरे को नहीं काटती है। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा इस ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास लाइन इसकी। अब आपसे दो क्वेश्चन बनते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की प्रवृत्ति कैसी होती है? आप बताओगे पूर्ण वृत्ताकार कैसी होती है? पूर्ण वृत्ताकार एक वृत्त होता है, कैसा होता है? वृत्ति होती है। पूरी सर्किल क्या होता है? क्लोज होता है। बंद वृत्त कैसा होता है? बंद। बाहर से देखोगे तो कहां जा रही है? उत्तर से। कहां जा रही है? उत्तर से दक्षिण की ओर। लेकिन वो अंदर से चुंबक के अंदर से होकर कहां आ रही है? नॉर्थ से साउथ की ओर। कहां से आ रही है? नॉर्थ से साउथ की ओर। बाहर जा रही है नॉर्थ टू साउथ, अगर अंदर से ऐसे करके वापस आएगी क्लोज करने के लिए सर्किल को तो साउथ से नॉर्थ होती है। तो आपको सारे पॉइंट क्लियर कर दे रहा हूं। बस इससे एक क्वेश्चन बनता है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे कोई पूछता है चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है या क्यों चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, व्हाट इज रीजन द मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेप्ट ईच अदर। बट मैं क्लियर करता हूं ये क्यों नहीं क्रॉस करती है, क्योंकि जिस बिंदु पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी या कट करेंगी उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाओं को ये दर्शाएंगी, और जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि इम्पॉसिबल है। अगर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती है तो क्रॉस पॉइंट पर चुंबकीय बल रेखाओं के दो डायरेक्शन बनेंगे, दो एरो बनेंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। आपको इसीलिए बताया गया है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। आपको आंसर कैसे देखना है? आपसे पूछेगा क्या कारण है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, तो आप बता सकते हो कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, फर्स्ट एंड सेकेंड, जो कि इम्पॉसिबल है। चुंबकीय क्षेत्र की भी दो दिशाएं नहीं हो सकती है, इसीलिए एक दूसरे को नहीं काटती है। इस तरह से आप नोट कर सकते हैं। बस दो आपको टॉपिक नोट करने हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं पूर्ण वृत्ताकार होती है। दूसरा पॉइंट, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ओर चलती है। नाउ नोट पर वेलकम टू SGOI और ऑनलाइन क्लासेस माय सेल्फ ज्योति मिश्रा एंड नाउ आई कंटिन्यू माय प्रीवियस चैप्टर सिविक्स लोकतंत्र और विविधता। लोकतंत्र विविधता का जो हम कल वीडियो देखा होगा आपने उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने आपको पढ़ाया था मैक्सिको ओलंपिक की कहानी बताई थी जिसमें मैंने टॉमी स्मिथ और जॉन कॉलम्स के बारे में बताया था कि वो कैसे एक एफ्रो अमेरिकन थे और पीटर नॉर्मन जो कि एक ऑस्ट्रेलियन था उसने उनको किस तरह से सपोर्ट किया था जो कि रनवे नीति के किनारे था। इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है सामाजिक विविधता। हमने कल ही बताया था कि सामाजिक विविधता, सामाजिक अंतर और सामाजिक विभाजन, इन तीन चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। और इन तीनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब सामाजिक विविधता क्या होती है? सामाजिक विविधता के दो कारक होते हैं, मतलब दो कारक होते हैं जिनके
द्वारा हमें समाज में विविधता देखने को मिलती है। सबसे पहला कारण होता है जन्म से। कुछ चीजों में ऐसा होता है कि हम किसी भी सामाजिक समूह से जुड़ जाते हैं जिसमें हम हमारी इच्छा या पसंद नहीं होती है, वो हमें जन्म से ही हम उसमें जुड़ जाते हैं। जैसे कि जिस समुदाय में हमारा जन्म हुआ, मान लीजिए अगर हम एक हिंदू फैमिली में जन्म लेते हैं तो अब हमें इसके लिए हमारी पसंद पर डिपेंड नहीं करता है कि नहीं हमें तो मुस्लिम होना ना, क्योंकि हमने एक हिंदू परिवार में जन्म लिया तो जन्म के साथ ही हम उस समुदाय के सदस्य हो जाते हैं और वो समुदाय हमारा हो जाता है, तो एक सामाजिक समुदाय से हम मिल जाते हैं। दूसरा तत्व आपकी वर्णन क्षमता है। जब हम एक समुदाय से बिलोंग करते हैं या हम जन्म से जुड़े होते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसमें समानता और असमानताएं आती हैं। हो सकता है हमारी कद है, काठी है, हमारा वर्ण है, वो हमारे पेरेंट्स से एक्चुअली मैच करता हुआ होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी के फादर है, उनके अंदर कोई बौद्धिक क्षमता है तो वो उनके बच्चे को भी देखने को मिलती है, या फिर कोई डिसेबिलिटी है तो वो भी दिखाई देती है। तो अब कुछ चीज़ों में ऐसा होता है कि वो हम नहीं चाहते, हमारी पसंद उस पर डिपेंड नहीं करती, बट वो हम उससे जुड़ जाते हैं कि वो हमारे जन्म पर आधारित है। और सब साक्षरता नहीं होती, इसे मतलब कि हमारी कोई इच्छा नहीं होती और कोई इससे साक्षर नहीं। अब दूसरी चीज जो है जो सामाजिक विविधता लाती है समाज में, वो होती है पसंद। पसंद में क्या होता है कि हम जैसे मान लीजिए अगर हमारा जन्म हिंदू परिवार में होता है या हिंदू धर्म हम मानते हैं, लेकिन अगर हम चाहें ठीक है तो हम अपने धर्म को परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये तब हमारा सामाजिक विविधता जो होती है वो यहाँ पर बदल जाती है कि हम अपना धर्म बदल सकते हैं। या जरूरी नहीं है कि जितने भी हिंदू होते हैं वो सारे संस्कृत ही पढ़ते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं तो विषय चेंज हो जाते हैं। पेशा सारे हिंदू पहले के जमाने में होता था, जो ब्राह्मण होते थे, हिंदू होते थे, वो लोग क्या करते थे, पूजा पाठ और पुरोहितों का कार्य करते थे, पर आज ऐसा नहीं। या आज एक अगर ब्राह्मण है तो क्या उसका बेटा भी ब्राह्मण होता है, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है, ये सामाजिक विविधता आ रही है क्योंकि जो पसंद पर आधारित हो गई तो उसमें पेशे भी अलग अलग हो जाते हैं, जो भी जो चाहे उस पेशे को चुन सकता है। और उसके बाद में विचार, लोगों के विचार भी बदल जाते हैं उनकी पसंद और नापसंद के हिसाब से। जैसे कि कोई नास्तिक होता है तो कोई आस्तिक होता है, कोई जो है वो वुमेन्स जो होती है या महिलाएं होती हैं उनके शक्तियों के खिलाफ होता है, कोई उनकी शक्तियाँ देने के उसमें पक्ष में होता है कि नहीं उनको अधिक शक्तियाँ मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से विचारों में भी परिवर्तन हो जाता है। तो जो सामाजिक विविधता होती है वो तो जन्म पर भी आधारित होती है और पसंद पर भी आधारित होती है। तो अब हम एक चीज़ और यहाँ पर कह सकते हैं कि विभिन्न सामाजिक समूह में लोग किसी भी विचार पर एकमत। अब ये जरूरी नहीं है कि मान लीजिए हिंदू धर्म के लोग हैं और मुस्लिम धर्म के लोग हैं, ठीक है, तो उनके अपना धर्म है, मुस्लिम्स का अपना धर्म है, उनके अपने अपने धर्म के रीति रिवाज परंपराएं कायदे कानून सब उनके हैं, बट ठीक है उसमें वो विभिन्न है, अलग है, उनमें विभाजन है, उनमें अंतर है। बट हो सकता है कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों को लेकर, बात समझना, हो सकता है भारतीय नागरिक के अधिकारों को लेकर उन दोनों के विचार, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हो सकता है उनके विचार एक हो, ऐसा भी संभव है, क्योंकि यहाँ पर धर्म और विचार दोनों अलग अलग चीज। तो अलग अलग सामाजिक समूह के लोग किसी एक विचार पर एक मत भी हो सकते हैं, यहाँ पर ये क्लियर कर रहा है। इसका उदाहरण भी अभी हम आपको बताएंगे, मैं बताती चलूं। जैसे कि हम लोगों ने कल मैक्सिको की कहानी पढ़ी थी तो उसमें दोनों अफ्रीकन और अमेरिकन अलग अलग सामाजिक समूह को बिलोंग करते थे, बट उसके बावजूद भी रक्त भेद नीति को लेकर दोनों के विचार एक जैसे। तो यहाँ पर ये भी समझने की जरूरत है। अब आ जाओ सामाजिक अंतर क्या होता है। अब जो हमें समाज में अंतर देखने को मिलता है वो भाषा, मैं कल भी बताया था मैंने, वर्ण, जाति, धर्म, क्षेत्र और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनके आधार पर हमारा समाज में अंतर हमें दिखाई देता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे बेल्जियम, आपने फर्स्ट चैप्टर में बेल्जियम के बारे में पढ़ा था, तो बेल्जियम में देखिए आपने देखा था वहां पर जो भी समाज में अंतर दिखाई दे रहा था वो किस आधार पर दिखाई दे रहा था, भाषा के आधार पर, क्योंकि वहां पे 60% लोग जो थे वो डच बोलते थे और 40% लोग जो थे वो फ्रेंच बोलते थे। ऐसे ही आपने श्रीलंका का भी पढ़ा था, उसमें भी धर्म के और उसमें सामाजिक और धार्मिक आधार पर अंतर था, क्यों, क्योंकि सिंगली थे और तमिल थे, ठीक है, याद है आप लोगों को, ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो वो सिंगली और तमिल में पढ़ा था और उसके बाद तमिल फिर बटे थे, श्रीलंकाई तमिल और हिंदू तमिल, इस तरीके से, क्योंकि हमारा आधार ये सामाजिक अंतर माना हो गया, तो इन आधारों पर हमें डिपेंड करता है।
इसके बाद आता है सामाजिक विभाजन। सामाजिक विभाजन क्या होता है? जब सामाजिक अंतर, जैसे यहाँ पर डच बोलते हैं, यहाँ पर फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें सामाजिक विभाजन कब होगा? जब ये अंतर जो है सामाजिक अंतर, एक से ज्यादा दो सामाजिक अंतर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो सामाजिक विभाजन का रूप धारण कर लेते हैं। अब कैसे कर लेते हैं? जैसे हमने आपको कल बताया था मैक्सिको ओलंपिक की कहानी में कि वो श्वेत और अश्वेत थे, ठीक है, श्वेत और अश्वेत। तो ये दो भागों में वहां का जो समाज था उसमें अंतर था श्वेत अश्वेत। तो ये किस आधार पे था? ये वर्ण के आधार पर, क्योंकि ये गोरे थे और ये काले थे, जो हमारा ये सामाजिक अंतर है। अब हमने आपको बताया कि जब सामाजिक अंतर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो सामाजिक विभाजन का रूप दे देते हैं। अब वो इकट्ठे कैसे होते हैं? उसके बाद से विभाजन देखना है। जैसे श्वेत तो थे, उनके पास भूमि नहीं थी, तो वो क्या थे? भूमिहीन थे, पहली चीज। दूसरी चीज, वो संख्या में कम थे, मतलब माइनॉरिटी थी उनकी वहां पर, अश्वेत, सॉरी यहां पर अश्वेत कर लीजिए और यहां पर श्वेत होगा, ठीक है। अश्वेत मतलब ब्लैक और श्वेत मतलब व्हाइट। तो जो अश्वेत थे उनके साथ में रंगभेद हो रहा था, तो उनके पास भूमि नहीं थी, वो भूमि से हीन थे और संख्या में भी कम थे, उनकी संख्या कम थी। और तीसरा क्या था? वो गरीब बहुत थे। तो अब एक सामाजिक अंतर जो वर्ण के आधार पर था, उसमें और अंतर जब जुड़ते जाते हैं तो वो सामाजिक विभाजन का कारण बन जाते हैं। अब ये भूमिहीन थे, इनके पास भूमि बहुत ज्यादा थी, ये संख्या में ज्यादा थे, संख्या इनकी ज्यादा थी, और गरीब नहीं थे और ये अमीर थे, ठीक है। तो ये सामाजिक विभाजन हो गया। तो आपको सामाजिक अंतर और सामाजिक विभाजन के बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सामाजिक अंतर और विभाजन से हमारी दो चीजें और क्लियर होती है, ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग। ओवरलैपिंग क्या होता है? ये जब एक ओवरलैपिंग का मतलब होता है सामाजिक अंतर के बाद उसमें और ज्यादा विभाजन जुड़ते जाते हैं, जो कि हमने श्वेत और अश्वेत के बीच में देखा। तो ये जो हमारा सामाजिक अंतर है, सोशल डिफरेंस है, वो हमारा ओवरलैपिंग कहलाता है, ठीक है। और क्रॉस कटिंग क्या होता है? क्रॉस कटिंग होता है जब सिर्फ एक ही अंतर होता है दो भागों में बटा हुआ। कि जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं, एक और नया एग्जाम्पल है उत्तरी आयरलैंड का। उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड में क्या था? आयरलैंड वहां पे जो थे वो पूरे सब ईसाई समूह ही थे, बट जो ईसाई समूह था वहां का वो दो पार्ट में बटा हुआ था। फिर से बताती हूँ मैं, उत्तरी आयरलैंड में जो सब समूह था वो दो भागों में बटा था। एक तो थे कैथोलिक और एक थे हमारे प्रोटेस्टेंट, ठीक है। तो ये दो भागों में बटा था, इसलिए 53% लोग थे वहां पर और ये 44% थे, ठीक है। तो ये दो भागों में बटा, ये हमारी क्रॉस कटिंग हुई, कि मतलब एक अंतर दिखाई दे रहा है, एक विभाजन दिखाई दे रहा है कि कुछ कैथोलिक धर्म को मानते थे और कुछ प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते थे। तो ये हो गया क्रॉस कटिंग। ओवरलैपिंग जो मैंने आपको पहले बताया, जब एक अंतर के साथ में और अंतर जुड़ते चले जाते हैं तो वो सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं। तो आज हमने आपको सामाजिक भिन्नता, सामाजिक अंतर और सामाजिक विभाजन उदाहरणों के साथ में क्लियर करे हैं। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के चैप्टर्स में भी हमें इन सब की हेल्प पर हम इनके एग्जाम्पल, जैसे आज हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसमें हम फर्स्ट चैप्टर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसे जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ाएंगे तो हमें इन सब चैप्टर्स के एग्जाम्पल्स को हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे आगे बहुत काम आने वाले हैं। दैट्स ऑल फॉर। स्वागत है आप सभी का शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन वीडियो क्लास में। मैं एस के पाल, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का शिक्षक, जीव विज्ञान विभाग से। क्लास टेंथ का एक टॉपिक मैं पढ़ा रहा था, पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि मेंडल ने जो 7 करेक्टर्स चूज किए थे, जो 7 लक्षण चूज किए थे, उसके बारे में मैंने बात की थी। अनुवांशिकता वाला चैप्टर चल रहा था तो उसके अंतर्गत मैंने वहाँ पर मेंडल के द्वारा लिए गए 7 करेक्टर्स की बात की थी। आज बात करेंगे कि
मेंडल्स ने जो जेनेटिक्स का यूज किया था उसमें कौन कौन सी शब्दावली उन्होंने इस्तेमाल की थी और ये शब्दावली कौन कौन सी थी और इसका क्या मतलब होता है, आज सारी बातें करेंगे। तो शब्दावली बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप शब्दावली अच्छी तरीके से समझते हैं तो अनुवांशिकी वाला चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जेनेटिक्स जो होती है शब्दावली पे बेस्ड होती है। तो सबसे पहले शब्दावली में दिया हुआ है कि संकर, संकर इसको इंग्लिश में हाइब्रिड कहते हैं। संकर और हाइब्रिड क्या होते हैं, संकर और हाइब्रिड क्या होते हैं और इसको ये कैसे उत्पन्न होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे एलील्स, एलील्स क्या होते हैं और एलीलोमॉर्फ क्या होते हैं, प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, एक संकर संकरण किसे कहते हैं और द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं, सब समयुग्मनज किसे कहते हैं और विषम युग्मनज किसे कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे फीनोटाइप और जीनोटाइप की, फिर लास्ट में बात करेंगे टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस की। तो सबसे पहले समझते हैं कि संकर पौधे क्या होते हैं। संकर पौधे इनको हाइब्रिड बोला जाता है, हाइब्रिड प्लांट। देखिए संकर पौधे क्या होते हैं, हाइब्रिड प्लांट क्या होते हैं, जब हम दो प्योर करैक्टर लेते हैं, दो शुद्ध लक्षण लेते हैं और जब उन दो शुद्ध लक्षणों के बीच में क्रॉस कराया जाता है, समझ रहे हैं आप, तो जब दो शुद्ध लक्षणों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो उससे जो हमें जनरेशन प्राप्त होती है, जो पौधा हमें प्राप्त होता है उसको हम संकर पौधा कहते हैं। मान लीजिए हमने क्रॉस कराया कैपिटल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी क्या था, ये तो जीनोटाइप था लंबे पौधे, क्या था ये जीनोटाइप, फीनोटाइप आगे आप समझ पाएंगे क्या होता है। तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये तो जीनोटाइप लंबे पौधे का जीन था, जीनोटाइप था, और ये घने पौधे का जीनोटाइप था। जब हम इसके गैमीट्स बनाएंगे तो यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी की ये एक गैमीट्स बनेगा और एक ये गैमीट्स बनेगा, ये गैमीट्स बनेगा और ये एक गैमीट्स बनेगा, चार गैमीट्स बनेंगे। अब ये जो गैमीट्स है ये इसको अगर हम मेल प्लांट मान लें और इसको हम फीमेल मान लें, ये फीमेल है और ये मेल है, ये क्या है भाई मेल, ये मेल है और ये क्या है ये फीमेल है, ठीक है, ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया। तो अब इनके बीच में क्रॉस होगा तो यहाँ पर देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी इसका इसके साथ क्रॉस, कैपिटल टी स्मॉल टी इसका इसके साथ क्रॉस, कैपिटल टी स्मॉल टी फिर इसका इसके साथ क्रॉस, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये हमको प्लांट मिले। देखिए हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि दोनों के करेक्टर एक साथ आ गए, कैपिटल टी वाला और स्मॉल टी वाला, पहले इसमें कैपिटल टी था, अब ये जो जनरेशन उत्पन्न हुई इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों लक्षण आ गए, तो इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड प्लांट। तो क्या बोलेंगे, संकर पौधा या हाइब्रिड प्लांट इसको हम बोलेंगे। तो हाइब्रिड क्या होते हैं, जब दो प्योर लक्षण दो शुद्ध लक्षणों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पहली प्रथम पीढ़ी में जो भी जनरेशन प्राप्त होती है उसको हम क्या बोलते हैं, संकर बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। तो ये तो था हाइब्रिड के बारे में। अब बात करेंगे एलील्स क्या होते हैं और एलीलोमॉर्फ, एलील्स और एलीलोमॉर्फ दोनों एक ही बातें होती हैं। एलील्स क्या होते हैं, देखिए एलील्स समझना बहुत जरूरी है, जेनेटिक समझना है तो एलील समझना बहुत जरूरी है। एलील क्या होते हैं, एलील या एलीलोमॉर्फ एक ही बात, एलील्स क्या होते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ करेक्टर, यानी कि ऐसे लक्षण जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं वही एलील्स कहलाते हैं। ध्यान से समझिएगा, ऐसे लक्षण जो एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एलील्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल से आप इसको समझ पाएंगे एलील्स क्या होता है, जैसे लंबा पौधा अगर हमने एक करेक्टर माना, एक लक्षण माना कि पौधा कैसा है लंबा, तो इसके विपरीत का लक्षण क्या होगा, इसके विपरीत का लक्षण ये होगा कि जो पौधा है वो क्या है, बौना है। तो लंबा और बौना ये दो करैक्टर हो गए और जब ये दो करैक्टर आपस में मिलेंगे आके तब हम इसको बोलेंगे कि ये किसका था, ये एलील बन गया, क्या बन गया, एलील। कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ करैक्टर कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये क्या है, एलील, क्या है ये, एलील, कैपिटल टी और स्मॉल टी।
अगर हम बात करें देखिए कैपिटल आर और स्मॉल आर ये भी एलील, ये क्या हो गया एलील, ये एक एलिलिक पेयर हो गया, ये भी एक एलिलिक पेयर हो गया, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर, कहने का मतलब विपरीत लक्षण, लंबा पौधा तो उसके विपरीत लक्षण क्या है बौना पौधा, ये क्या है लाल पुष्प है तो उसके विपरीत क्या है इसका लक्षण सफेद पुष्प, तो ये क्या हो गया, ये इनको हम एलील्स कहते हैं एक तरीके से, ये भी हाइब्रिड या संकर टाइप के होते हैं, ध्यान रखिएगा क्या होते हैं ये संकर टाइप के होते हैं, तो ये बोलते हैं एलील्स। एलील्स एक्चुअली में असल में जो एलील्स होते हैं ये दो करैक्टरों का समावेश होता है, एक करैक्टर कोई भी करैक्टर ले लीजिए लंबे पौधे, अगर अगर लेंथ का करैक्टर ले रहे हैं, अगर लंबाई का लेंथ का करैक्टर ले रहे हैं तो उसमें दो ही करैक्टर एक दूसरे के विपरीत होते हैं, पौधा लंबा होगा या मोना हो, तो जब ये दोनों साथ में आएंगे तो उसको बोलेंगे ये इन्होंने एक एलील बना लिया, ये एक एलील हो गया, ये दूसरा एलील हो गया। तो एलील्स क्या होते हैं, एलील्स क्या होते हैं विपरीत जोड़ियों के लक्षण को एलील्स कहा जाता है, फिर से सुनिए विपरीत लक्षणों की जोड़ियों को क्या कहते हैं एलील्स या एलिलोमॉर्फ कहते हैं। तो ये तो था एलील्स के बारे में, अब बात करेंगे प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण क्या होता है, ये तो पहले भी मैंने बता चुका हूँ आपको, प्रभावी लक्षण क्या होगा, प्रभावी का मतलब डोमिनेंट, और डोमिनेंट क्या होगा वो हमेशा क्या करेगा अपने आप को एक्सप्रेस, डोमिनेंट वही होगा प्रभावी वही होगा जो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, हमेशा क्लास में आगे रहेगा वही डोमिनेंट होगा, ठीक है। और अप्रभावी क्या होगा, ऐसा लक्षण जो अपने आप को प्रदर्शित ना कर पाए वो क्या कहलाता है अप्रभावी लक्षण कहलाता है। तो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण भी आपको समझ में आ गया, जैसे कहने का मतलब प्लांट की लंबाई के बारे में बात करें तो कैपिटल डी ये क्या है लंबा पौधा है, स्मॉल डी ये क्या है बौना पौधा है, ठीक है। तो ये लक्षण क्या है प्रभावी लक्षण है, और ये वाला लक्षण क्या है अप्रभावी लक्षण है। तो ये तो हो गया प्रभावी और अप्रभावी लक्षण के बारे में। अच्छा मेंडल ने जो सात जोड़ी मेंडल ने जो सात जो करेक्टर्स लिए थे सात लक्षण लिए थे उन लक्षणों में प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण पिछली कक्षा में बता चुके हैं, तो प्रभावी लक्षण ध्यान रखिएगा कौन सा है और उसके विपरीत अप्रभावी लक्षण कौन सा है। तो ये तो हो गई बात प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण की, अब बात करते हैं एक संकर संकरण मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, इसकी मोनो हाइब्रिड क्रॉस की एक संकर संकरण क्या होता है ध्यान रखिएगा, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो उसको हम एक संकर संकरण कहते हैं। यहाँ पर हम एक जोड़ी लक्षण लेंगे, मेंडल की सक्सेस का यही तो एक सबसे बड़ा कारण था, मेंडल की सक्सेस का सबसे बड़ा एक यही कारण था कि उन्होंने एक बार में एक ही लक्षण को ध्यान में रखा, फिर बाद में उन्होंने दो लक्षणों को भी एक साथ दिया। तो जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो उसको हम एक संकर संकरण कहते हैं। द्विसंकर संकरण क्या होता है, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो उसको हम डाईहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण कहते हैं। एक संकर संकरण में जैसे हम लाल पुष्प ले लेते हैं, मान लीजिए ये लाल पुष्प हो गया और ये सफेद पुष्प हो गया, यहाँ पर एक ही जोड़ी करैक्टर है, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण, विपरीत क्यों बोला क्योंकि ये इसके विपरीत लक्षण है, ये लाल है तो ये सफेद, तो एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच में क्रॉस कराएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम एक संकर संकरण बोलेंगे। अब जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराएंगे तो उसको द्विसंकर संकरण कहेंगे। द्विसंकर संकरण कैसे, जैसे मान लीजिए जैसे लाल पुष्प ले लिया और लंबा पौधा ले लिया, दो जोड़ी करैक्टर, इसके विपरीत लक्षण क्या होगा सफेद पुष्प होगा और बौना पौधा, ये दो जोड़ी करैक्टर ले लिए हमने कि नहीं, देखिए यहां पर दो जोड़ी करैक्टर है, एक ये लाल को प्रदर्शित कर रहा है, एक लंबेपन को प्रदर्शित कर रहा है, ये सफेद को प्रदर्शित कर रहा है, ये बौनेपन को प्रदर्शित कर रहा है। तो जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो उसको द्विसंकर संकरण कहते हैं, ये डाईहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सम युग्मनज क्या होते हैं और विषम युग्मनज क्या होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। नाम में ही लिखा हुआ है सम युग्मनज इंग्लिश में बोलते हैं इसे होमोजाइगस, ठीक है।
सम का मतलब क्या हो गया? समान। ठीक है, सम का मतलब क्या हो गया? समान। युग्मक का मतलब क्या हो गया? युग्मक, यानी कि समान, यानी कि जब जोड़ी में पाए जाने वाले दोनों युग्मक एक जैसे होते हैं, जोड़ी में पाए जाने वाले दोनों युग्मक एक जैसे होते हैं तब हम उसको समयुग्मनज कहते हैं। अब जैसे समयुग्मनज एग्जांपल क्या होगा, अब जैसे कैपिटल आर कैपिटल आर, ये क्या है? समयुग्मनज है, क्योंकि इसमें जोड़ी में पाए जाने वाले दोनों जीन एक दूसरे के समान है। तो जोड़ी में पाए जाने वाले जब दोनों जीन एक दूसरे के समान होते हैं तो उसको हम समयुग्मनज कहते हैं। ये क्या है? समयुग्मनज है। अच्छा ये बताइए स्मॉल आर ये क्या है? ये भी समयुग्मनज है, क्योंकि इसमें भी दोनों युग्मक कैसे हैं? एक जैसे हैं, स्मॉल आर है तो ये भी स्मॉल आर। ठीक है, ये क्या हो? समयुग्मनज होंगे। अब जैसे बात करेंगे कैपिटल वाई, कैपिटल वाई यह ग्रुप प्रदर्शित करता है, तो ये क्या है? समयुग्मनज। ठीक है, कैपिटल टी ये क्या है? समयुग्मनज। स्मॉल टी ये क्या है? समयुग्मनज। ठीक है, तो इसको बोलेंगे समयुग्मनज। अब विषमयुग्मनज क्या होते हैं? हेटरोजाइगस। हेटरोजाइगस, हेटरो मींस हमेशा, विषम का मतलब विपरीत, युग्मनज का मतलब युग्मक। जब जोड़े में पाए जाने वाले दोनों युग्मक अलग अलग प्रकार के होते हैं तो उसको हम विषम युग्मनज कहते हैं। इंग्लिश में इसको हेटरोजाइगस कहते हैं। विषम युग्मनज कैसे बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, देखिए जोड़े में पाए जाने वाले दोनों जीन एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं? एक कैपिटल टी को प्रदर्शित कर रहा है, लंबेपन को प्रदर्शित कर रहा है, और स्मॉल टी भौनेपन को प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि जोड़े में पाए जाने वाले जब दोनों जीन एक दूसरे के विपरीत लक्षण वाले होते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं? विषम युग्मनज बोलते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, विषम युग्मनज हमेशा संकर फॉर्म में आता है, संकर भी यही होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये हो गया समयुग्मनज और विषम युग्मनज। अब बात करते हैं फीनोटाइप और जीनोटाइप की। फीनोटाइप को हिंदी में फीनोटाइप कहा जाता है। फीनोटाइप क्या होता है? जो चीज हमें दिखाई पड़ती है वही फीनोटाइप। ठीक है, अगर गुलाब का पुष्प लाल रंग का है तो हमको लाल दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो उसका क्या है? फीनोटाइप। समझ रहे हैं? जो पुष्प हमें, जो चीज हमें दिखाई पड़ती है उसी को हम क्या बोलते हैं? फीनोटाइप बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो चीज प्रदर्शित होती है, जो दिखाई पड़ती है वो फीनोटाइप है। और जीनोटाइप क्या है भाई? जीनोटाइप क्या होता है? किसी भी प्लांट के जब जीन का निरूपण किया जाता है, जीन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तब हम उसको जीनोटाइप कहते हैं। समझ रहे हैं बात? अब मान लीजिए, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। ये फीनोटाइप जो चीज हमें दिखती है वो होती है, और जीनोटाइप क्या होता है? जो हमारे जीन्स का, यानी कि प्लांट के जीन्स का या किसी के भी जीन्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, वो जीनोटाइप कहलाता है। यानी कि जब हम किसी करैक्टर को, किसी लक्षण को जीन के रूप में प्रदर्शित करते हैं, लिख करके प्रदर्शित करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। फीनोटाइप जो दिखाई पड़ता है वो होता है, और जो चीज दिखाई नहीं पड़ती है बट जीन्स के रूप में होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जीनोटाइप बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, मान लीजिए एक ये कैपिटल आर पौधा था, ठीक है, और दूसरा पौधा कैपिटल आर और स्मॉल आर का था। ये भी पौधा रेड कलर का है और ये भी पौधा रेड कलर का है, दोनों पौधे लाल रंग के हैं। ठीक है, दोनों पौधे के जो फ्लावर है वो रेड कलर के हैं। देखिए ये भी रेड कलर का है, लेकिन ये क्या है? समयुग्मक लाल पौधा। ये क्या है? विषमयुग्मक लाल पौधा। ये लाल क्यों है? क्योंकि लाल रंग प्रभावी होता है, सफेद रंग के ऊपर लाल रंग प्रभावी होता है, तो ये अपने आप को प्रदर्शित करेगा, इसको प्रदर्शित नहीं होने देगा। ठीक है, क्योंकि ये अप्रभावी लक्षण है। ये अप्रभावी लक्षण जब प्रभावी सामने होगा तो अप्रभावी लक्षण कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, कभी अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाएगा, हमेशा यही बाजी मार ले जाएगा। तो क्योंकि ये प्रभावी, तो ये अपना प्रभाव डाल करके इसको देकर कुछ कारण कैसा कर देगा? लाल कर देगा। तो यहाँ पर दो चीजें देखिए, पहली बात तो ये भी लाल रंग का पुष्प है, ये भी लाल रंग का पुष्प है, दोनों पुष्प लाल रंग के हैं, दिखेंगे तो हमें दोनों लाल, दोनों पौधे हमको दिखेंगे लाल, लेकिन एक लाल कैसा है? एक समयुग्मक लाल है, और दूसरा लाल पौधा कैसा है? ये विषमयुग्मक लाल पौधा है।
तो ये जो कैपिटल आर ये भी तो इसका जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप इसका है। यानी कि जब हम जीन्स का निरूपण करते हैं तो उसको हम जीनोटाइप कहते हैं, समझ रहे हैं बात। तो जीनोटाइप जो है, देखिए फीनोटाइप किसी भी पौधे का एक जैसा हो सकता है, लेकिन उसके जीनोटाइप जो है अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये बात हो गई यहाँ पे, ये भी है तो दोनों लाल रंग के, लेकिन इनका जीनोटाइप अलग अलग है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसको हम जीनोटाइप और फीनोटाइप कहते हैं। हम बात करते हैं टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस की। टेस्ट क्रॉस क्या होता है और बैक क्रॉस क्या होता है? देखिए सबसे पहले बैक क्रॉस क्या होता है इसको समझते हैं। बैक क्रॉस क्या होता है? बैक का मतलब कि पीछे, यानी कि जो हमें मतलब जैसे पेरेंट प्लांट लिए हमने कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये पेरेंट जनरेशन थी। पेरेंट जनरेशन में ये लाल रंग का फ्लावर था और ये वाइट रंग का फ्लावर था, ये पेरेंट जनरेशन थी। इनका जब हमने क्रॉस कराया तो जो जनरेशन हमें प्राप्त हुई उसको हम F1 जनरेशन कहेंगे, प्रथम पीढ़ी कहेंगे, F1 जनरेशन कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में हमें पौधा कैसा मिलेगा? लाल रंग का मिलेगा, लेकिन वो कैसा होगा? विषम युग्मकी होगा। तो जो F1 पीढ़ी में जो हमें पौधा मिला है, दो शुद्ध पौधे के बीच में, शुद्ध लक्षण वाले पौधों के बीच में, दो शुद्ध तथा विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं, तो F1 पीढ़ी में जो पौधा हमें प्राप्त होता है, इस पौधे का क्रॉस फिर वापस जब हम इससे या इसका क्रॉस इससे करा देते हैं, तो इसी को हम बैक क्रॉस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बैक क्रॉस। कैसे इसकी परिभाषा बनाएंगे? जब दो शुद्ध विपरीत लक्षण वाले पितर पौधों में क्रॉस कराया जाता है, तो उससे जो F1 पीढ़ी में जो पौधा हमें मिलता है, उस पौधे का क्रॉस वापस पितर से करा दे, चाहे इससे कराए चाहे इससे, इसी को हम क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस। पीढ़ी में पीछे जाके क्रॉस कराना, इसी को हम बोलेंगे क्या? बैक क्रॉस। ओके, तो ये तो हो गया बैक क्रॉस। ठीक है, अब ये देखिए कैपिटल आर कैसा है? ये प्रभावी लक्षण है। और ये कैसा है? अप्रभावी लक्षण। कैपिटल आर कैसा है? ये प्रभावी लक्षण है, ये डोमिनेंट है, और ये रिसेसिव है। ये प्रभावी है, ये कैसा है? अप्रभावी लक्षण। तो बैक क्रॉस क्या होगा? प्रथम पीढ़ी में जो पौधा हमें प्राप्त होता है उसका क्रॉस चाहे हम डोमिनेंट से कराए चाहे रिसेसिव से कराए, उसी को हम बैक क्रॉस कहें। ठीक है, इतनी चीज ध्यान रखिए। अब बात करते हैं टेस्ट क्रॉस की। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? पहले तो हमको ये बताइए कि टेस्ट क्लास में किनका लिया जाता है, किन बच्चों का टेस्ट लिया जाता है? जो बच्चे ज्यादा होशियार होते हैं उनका टेस्ट लिया जाता है, या जो बच्चे कमजोर होते हैं उनका टेस्ट लिया जाता है? ऐसे तो टेस्ट क्लास में सभी लोगों का एक साथ होता है, लेकिन टेस्ट लेने का पर्पस क्या है? टेस्ट लेने का पर्पस ये कि जो बच्चे कमजोर है वो क्या हो जाए? होशियार हो जाए पढ़ के। तो टेस्ट हमेशा कमजोर लोगों का लिया जाता है, परीक्षा हमेशा कमजोर लोगों की होती है ऐसा माना जाता है। जो लोग कमजोर होते हैं उन्हीं की परीक्षाएं बार बार कराई जाती है। बैक एक पेपर में क्या होता है? बैक पेपर में यही होता है, जो बच्चे कमजोर होते हैं उनका दोबारा से पेपर करा लिया जाता है। तो टेस्ट हमेशा कमजोर का कराएंगे। इस पॉइंट को याद रखोगे अगर आप, तो आप ये टेस्ट क्रॉस निकाल ले जाओगे। समझ रहे हो कैसे? देखो ये जो है टेस्ट क्रॉस का मतलब ये होगा कि F1 पीढ़ी में जो हमको पौधा मिला, ये वाला F1 पीढ़ी में जो पौधा मिला, इसका क्रॉस हम कमजोर लक्षण वाले से कराते हैं, इसी को हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। इसका क्रॉस जब हम कमजोर लक्षण वाले से, भाई कमजोर लक्षण कौन है? सफेद कुछ वाला कमजोर है, रिसेसिव है, ये क्या है? अप्रभावी, ये कमजोर है इसके सामने। तो जब हम F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधे का क्रॉस क्या कराते हैं? रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं, या हम इसको बोलेंगे अप्रभावी पितर से कराते हैं, तो हम इसी को क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। तो ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। टेस्ट हमेशा कमजोर का लिया जाता है, तो कमजोर लक्षण कौन सा है? स्मॉल वाला कमजोर लक्षण है। अप्रभावी लक्षण से उसका, अप्रभावी लक्षण वाले से पेरेंट से उसका क्रॉस करा देंगे, तो इसको बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। संकर किसे बोलते हैं? प्रभावी, अप्रभावी, एक संकर संकरण,
ठीक है, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो उसको एक संकर संकरण कहते हैं। द्विसंकर संकरण क्या होता है, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस संयुग्म जोड़े में पाए जाते हैं, दोनों की नेम जैसे हो कैपिटल आर कैपिटल आर, तो ये क्या हो जाएगा, होमोजाइगस संयुग्म में जब हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये दोनों एक जोड़ी में पाए जाने वाले दोनों लक्षण विपरीत होते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, विषमयुग्म लक्षण बोलेंगे। फीनोटाइप और जीनोटाइप का, फीनोटाइप जो चीज हमें दिखती है वो क्या होती है, फीनोटाइप और जीनोटाइप। जब किसी भी प्लांट का या किसी भी इंडिविजुअल का जब हम जीन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, निरूपण करते हैं, तो जीनोटाइप का टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस अभी दे सकते हैं। थैंक यू, दिस इज ऑल ओवर टुडे, थैंक यू अगेन, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।